السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم मोहतरम सदर इजलास हजरात उलमाए किराम मोहतरम बुजुर्गों नौजवान भाइयों प्यारे बच्चों परदा नशीन माँ और बहन उन्वान है जिंदगी गुजारने का मंशूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे हज्जतुल विदा की रोशनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक बार हज किया फर्स्ट एंड लास्ट और चार उम्र की हज सन 9 हिजरी में फर्ज हुआ आप उस साल हज के लिए जा सकते थे इस तरह आपके दो हज हो जाते लेकिन सन 9 हिजरी में हज की फर्जियत के बाद भी आप उस साल हज के लिए नहीं गए क्यों वजह उसकी ये थी कि अब तक लोग खाने काबा का तवाफ उरिया और नंगे किया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं चाहते थे कि मैं हज करूं और मेरी निगाह ऐसे लोगों के ऊपर पड़े जो पहना उरिया और नंगे इससे ये पता चलता है कि न्यूडिज्म नंगेपन का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं नंगा होना यह हया के खिलाफ है जो इंसान की फितरत में अल्लाह तबारक व तआला ने वदियत कर दिया है इसकी दलील यह है कि जब हजरते आदम व हव्वा के बदन से लिबास बहिश्ती उतर गया तो उन्होंने जल्दी जल्दी एक दरख्त के पत्ते अपने जिस्म पर लपेटने शुरू कर दिए ये दलील है इस बात की
कि इंसान की फितरत में हया व दियत की हुई है। अब जो नंगा रहना चाहे वो फितरत के खिलाफ हरकत का इर्तिकाब कर रहा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 9 हिजरी के अंदर हज नहीं फरमाया। वजह उसकी यही थी जो मैंने आपके सामने बयान किया। एक गुजारिश करूंगा कि सारे लोग अपने अपने मोबाइल ऑफ कर खुदा के लिए। उस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को और हजरत अली को अमीर हज बना करके भेजा और ये फरमाया कि ऐलान करा देना कि अगले साल से कोई भी शख्स खाने काबा का तवाफ नंगे नहीं करेगा। अगला साल जब आया सन 10 हिजरी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा पहले से कर लिया था। अब आप निकले। ये ज़िकात की 24वीं या 25वीं तारीख थी और आप मदीना से निकले। एक रिवायत के मुताबिक जोहर पढ़ करके निकले और एक रिवायत के मुताबिक आप मदीना से बाहर चलकर एक मकाम पर जिसका नाम ज़ुल्हुलैफा है वहां आपने नमाज जोहर अदा फरमाई और आप इतवार के दिन, चार दिन के बाद इतवार के दिन मक्का में दाखिल। उसके बाद आपने अरकान हज अदा फरमाए और फिर आपने यौमुन नहर के दिन वो खुतबा सहाबे किराम के सामने पेश किया जिसके अंदर जिंदगी गुजारने का पूरा सामान मौजूद है। वो या जिंदगी गुजारने का एक मंशूर है जो उस खुतबे में पेश कर दिया गया। सहाबे किराम का एक अंबोह कसीर है, तकरीबन 1,24,000 सहाबे किराम मौजूद हैं। इस खुतबे को, इस लेक्चर को बहुत सारे रावियों ने रिवायत किया है। मैं ये चाहूंगा कि जिन जिन रावियों ने इस खुतबे को रिवायत किया है उनका नाम भी पेश कर दूं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी जबान में, जो कि आपकी जबान थी, उसमें जो खुतबा पेश किया है पहले वो नबी की जबान से निकले हुए अल्फाज को मैं अपनी जबान में पेश कर दूं। परेशान मत होइए, तकरीबन 7-8 मिनट में वो खुतबा खत्म हो जाएगा। करोड़ों लोगों में से शायद किसी मौलवी को, किसी आलिम को यह खुतबा याद है। करोड़ों लोगों में से किसी मैं पेश करता हूं। वक़द रवा हाज़िही अल-खुतबा अददुन मिन अस-सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन व मिनहुम जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी व जुबैर इब्न मुत्लिब व जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल-बुजैरी व अब्दुल्लाह इब्न उमर व अब्दुल्लाह इब्न अम्र व अब्दुल्लाह इब्न अब्बास व राफ़ इब्न अम्र الغزالي وابو بكر وابو امامه الباهلي وابو بكر الانصاري وجبير بن والبراء بن عازب وجبير بن مطعم والحرماس بن زيد الباهلي وعمر بن الاحوص وام حسين رضوان الله تعالى عليه اجمعين جاء في روايه جرير بن عبد الله الجلي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوم خطبه الوداع استنسك الناس فخطبهم يوم النحر حين ارتفع الضحى بين الجمرات على ناقته العذباء
واضيا رجليه في الغرز يتطاول ليسمع الناس مردفا أسامة بن زيد وأسامة رافع عليه صوبه يظله من الحر وبلال آخذ بقود راحلته والناس بين قائم وقاعد فحمد الله وأثنى عليه قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهر منها أربعة حرم ثلاث متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مزر الذي بين جمادى وشعبان أي شاهد هذا؟ قل الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى قال أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة؟ قلنا بلى قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس يوم النحل؟ قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا لا يجني ألا فلا ترجعوا بعد زلال يضرب بعضكم رقاب بعض ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجري والد على ولده ولا ولد على والده ألا إن المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه ألا وإن كل ربا في الجاهلية موزوع لكم رؤوس وموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موزوع كله ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موزوع فأول دم أعظم من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد دم الحارث ابن عبد المطلب كان مسترزعا في بني ليث فقتلته هزيل ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن أطاعكم فإن فعلن فأجرهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطاعكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطين فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ألا يبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوى من بعض من سمع نزل الله امرأة سمي مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله والنصيحة لأولاد المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم يا أيها الناس اتقوا الله وإن استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا فقال رجل من طوائف الناس يا رسول الله ماذا تعهد إلينا فقال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأتيوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم وقال إني أوصيكم بالجار فأكثر حتى قلت إنه سيورثه وقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه والولد للفراش وللعاهل حجر ومن ادعى الى غير ابيه ومن انتمى الى غير مواليه فعليه لعنه الله التعبئه الى يوم القيامه لا تنفق المراه شيئا من بيتها الا باذن زوجها فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك افضل اموالنا قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العاريه موداه والمنحه مردوده والدين مقزي والزعيم غارم وودع النبي الناس فقالوا هذه حجة الوداع یہ پوری کی پوری تقریر تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
मकामे रफा में लोगों के सामने पेश किया। कोई याद ही नहीं करता है, कोई एहतमाम ही नहीं करता है। सारे मुसलमान बन रहे बेचारे, एक मसलक वाला दूसरे मसलक वाले के ऊपर कीचड़ उछालता है, ये हदीस को नहीं मानता, ये सुन्नत को नहीं मानता, ये रसूल को नहीं मानता, ये कुरान को नहीं मानता, ये अलिया को नहीं मानता, ये पूरी की पूरी हदीस मैंने पढ़ दी, पूरा का पूरा खुतबा, करोड़ों में से किसी को याद होगा? क्या ख्याल है? ये किसी मौलवी से कहिए कि तकरीबन 6 महीना याद करें, उसके बाद सुना दे, भूल जाएगा। आइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे के अंदर क्या बयान फरमाया, मैं आपको ये बता दूं कि आपकी नबवी जिंदगी का जो 23 साल दावा की सफर है, आपकी 23 साल नबवी जिंदगी, आपकी कुल उम्र मुबारक 63 साल, 40 साल में आप नबी बनाए गए, यहीं से आपकी नबवी जिंदगी शुरू होती है। तो आपकी नबवी जिंदगी की दावती सफर की पूरी तफसील, या यूं कहिए कि उसकी जिस्त समराइज करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश कर दिया। गोया एक दरिया को आपने कूजे में बंद कर दिया, और ये इतना अहम खुतबा है, और अजीब बात तो यह है कि इसी मकाम पर वाय तकरीबन हाजिर हुई, अल्योम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदितु लकुम इस्लाम। आइए एक हदीस देख लेते हैं, हदीस इस्लाम व तारिक बिन शहाब रजी अल्लाह तआला अन्हु قال ان اناس من اليهود قالوا لو نزلت هذه الايه فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر رضي الله تعالى ايه ايه فقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فقال عمر اني لعالم اي مكان انزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفه رواه البخاري في كتاب المغازي حضرت امام البخاري رحمه الله عليه البخاري الشريف کے اندر یہ حدیث پاک کتاب المغازی کے اندر لائے راوی مشہور صحابی حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ طارق بن شہاب رضی اللہ حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ کچھ یہودی آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور ان یہودیوں نے حضرت عمر سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر ہمارے درمیان وہ آیت اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے لَتَخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا تو حضرت عمر نے پوچھا آئیے تو آیتی کون سے which was کس آیت کے بارے میں آپ کہتے ہیں about which was your topic کس آیت کے بارے میں آپ کہتے ہیں آئیے تو آیتی کون سی آیت تو یہودیوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا یہ آیت کریمہ اگر ہمارے اندر نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوئی ہے اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیں تو حضرت عمر نے فرمایا فقال عمر انی لاعلم مجھے علم ہے ای مکان انزلت یہ آیت کریمہ کس جگہ نازل ہوئی ہے کس جگہ نازل ہوئی ہے I know very well. अच्छी तरह मुझे इल्म है। कहाँ नाज़िल हुई? उन्ज़िलत व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़िफ़ुन बिअरफ़ा। ये नाज़िल हुई है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा में खड़े हुए थे। एक नुक्ता और मिला कि इस आयत करीमा के बाद सिर्फ इदा जा रसूलुल्लाह सूरह नस्र नाज़िल हुई। ये ऐलान था कि आपको जिस मकसद के लिए भेजा गया था वो मकसद पूरा हो गया, अब आप हमारे पास आने वाले हैं, दिन मुकम्मल हो गया। एक अजीब बात बताऊं, कमाल किसको बोलते हैं? इकमाल। लड़के से कहा जाए कि इस ग्लास को पानी से भर दे, कामिल, कामिल मींस पूरा, एज अ होल यानी होल होली, पूरा का पूरा भर दे। अब इस तरह वो ग्लास के अंदर पानी भर देता है कि अगर एक कतरा भी टपकाया जाए तो कतरा बाहर चला जाए। तो यह कहा जाएगा कि गिलास में पानी कामिल तौर पर भरा हुआ है। अगर उसके अंदर वो कतरा ठहर जाए तो गिलास में पानी कामिल तौर पर नहीं है, एक कतरा भी डालने की गुंजाइश न हो।
और एक कतरा अगर निकाल लिया जाए तब भी ग्लास कामिल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया है। और कमाल का मतलब यह होता है ना उसके अंदर कोई चीज दाखिल की जा सकती है ना उसके अंदर से कोई चीज निकाली जा सकती है। अगर दाखिल कर दे तब भी कमाल के खिलाफ और अगर निकाल ले तब भी कमाल के खिलाफ। कितने लोग हैं जो बड़ा भी रहे घटा भी रहे और कह रहे हैं कि हम दीन का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है, शैतान ने उनको गलत रूट के ऊपर डाल दिया। तो ये तो इस आयत करीमा के शान वरूद का मामला था जो मैंने आपके सामने पेश किया। यहूदियों ने कहा कि हम उस दिन को ईद बना लेते। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने नहीं कहा कि हम लोग उस दिन को ईद बना लेंगे। इतनी बड़ी आयत नाज़िल हुई, पता ही चला कि अल्लाह और उसके रसूल पूरे साल के अंदर जितने ईद हमें दे वही हमें लेना है। और जितनी ईद दे दी है उतनी ही, जितनी ईदें दे दी है उतनी ही ईदें हमें लेना है और उन्हीं दिनों को ईद समझना है। अपनी तरफ से हम ईद नहीं बना सकते किसी दिन को। अल्लाह और उसके रसूल जिस दिन को ईद बना ले हमें चुपचाप उन्हीं दिनों को ईद बनाना है। अपनी तरफ से हम ईद नहीं बना सकते। नहीं तो यहूदी बता रहे हैं कि ये आयत करीमा इतनी अजीम शान है कि हमारे दरमियान अगर नाजिल होती तो हम ईद बना लेते। लेकिन हजरत उमर ने ये नहीं फरमाया कि इतनी अजीम शान आयत नाजिल हुई लाओ हम लोग उस दिन को ईद बना लें। इसलिए उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि ईद वही दिन ईद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। अब आइए खुतबे की तरफ। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह बल्कि वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा शुरू करने से पहले फरमाया इस्तंसितिन्नासा, लो लोगों को चुप कराओ, लोगों को चुप कराओ। देखिए इस तरह अगर कहीं मोबाइल बज रहा हो, कहीं लोग बातें कर रहे हैं और खतीब तकरीर करने जा रहा हो तो सुन्नत यह है कि किसी से कह दे कि लोगों को चुप कराओ। ये जो मैंने कहा कि मोबाइल ऑफ कर लीजिए ये सुन्नत के मुताबिक है। इस तरह से दिन नासा आप लोगों को चुप कराओ, चुप कराओ लोग। इस तरह से दिन नासा लोग अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगे। शायद करीमा से सभी का खतीब बोल सकता है और लोगों को स्विच ऑफ कर लेना चाहिए। इसी तरह अगर कुछ लोग बातें कर रहे हैं तो कहा जा सकता है कि इनसे कहिए कि खामोश हो। इस सबसे तिन्नासा लोगों को चुप कराओ। इससे यह पता चलता है कि दीन की एक एक बात इंतहाई अहम है। अगर आदमी किसी दूसरी चीज की तरफ मुतवज्जो हो जाएगा तो हो सकता है दीन की वो अहम बात ना सुन सके। इसी वजह से दीन की बात जब कही जाए, दीन की बातें बयान की जाए तो लोगों को इंतहाई गौर से सुनना चाहिए और पूरी तवज्जो और पूरे इत्मीनान के साथ उसे समाप्त करना चाहिए। इस सबसे तिन्नासा लोगों को चुप कराओ। उसके बाद कहते हैं फखतबहुम यौमन नहर, यौमन नहर में नहर के दिन आपने उनको खुतबा दिया। ये देखो यहां खताबा का लफ्ज है, खतीब 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 का मतलब होता है लेक्चर, लेक्चर देने वाले। या ये नहीं कहा कि आपने बात फरमाया, नहीं 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 नहीं, यहां 1,24,000 का मजमा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज खतीब एज लेक्चर, यहां आप वाइज नहीं है, आप यहां एक लेक्चरर के हैसियत से लेक्चर दे रहे हैं। लेक्चर है खुतबतुन मींस लेक्चर और एज ए खतीब फखतबहुम एज ए लेक्चरर, यहां वाज नहीं है बल्कि एक लेक्चर। फखतबहुम यौम नहर, आपने यौम नहर को यह खुतबा दिया सामने पेश किया। इससे एक नुकता मिला के तकरीर के लिए, लेक्चर के लिए, दीनी प्रोग्राम के लिए किसी एक दिन को मुतय्यन किया जा सकता है। फखतबहुम यौमन नहर, आपने उनको लेक्चर दिया, खुतबा दिया उनके सामने यौमन नहर को। देखिए यौम माने दिन, पता ये चला कि खुतबे के लिए दीनी प्रोग्राम के लिए किसी दिन का मुकर्रर करना कि फला तारीख को, आज 17 तारीख को मरकजुल फुरकान या कहीं भी एक
दीनी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, तो ये दिन की टाइम बिदात नहीं है, हदीस साबित है। इसलिए कि ये लेक्चर आपने यौम नहर को दिया है, एक खास दिन आपने मुकर्रर फरमाया है अजीम शान खुतबे को डिलीवर करने के लिए, तो दिन मुतय्यन कर सकते हैं। हीन तफा दुहा, ये तकरीर आपने फरमाई जब जाश का वक्त हो गया था, सूरज चढ़ाया। दूसरा नुकता यह दिया कि टाइम मुकर्रर किया जा सकता है, आठ से लेकर के नौ तक ये दावती प्रोग्राम चलेगा, तो टाइम का मुकर्रर करना भी हदीस साबित है। इसलिए कि आपने ये जो लेक्चर दिया है, ये जो तकरीर फरमाई है, वक्त बताया जा रहा है कि चाश का वक्त हो गया था, ये वक्त है, और दिन यौम नहर। बैनल जमराती, शैतान की जहां रनिंग करते हैं, पत्थर मारते हैं, वहां जमरों के दरमियान, जमरों के दरमियान बताइए चला कि दिन भी मुतय्यन किया जा सकता है, वक्त भी मुतय्यन किया जा सकता है, जगह भी मुतय्यन की जा सकती है। मरकज़ुल कुरान में या फला स्कूल के फला हॉल के अंदर यह तकरीर होगी, देख रहे हैं। बैन अल जमरा, बैन का मतलब होता है दरमियान, तो जगह के बन, जरफे मकान नहीं है, जरफे मकान नहीं है, जगह बैना जरफे मकान है, यानी मकान मुतय्यन किया जा सकता है। और अला नाकतिल अजबाई, अपनी ऊंटनी अजबा के ऊपर सवार है, बताइए चला कि स्टेज लगाना भी जायज है, दुरुस्त है, इसलिए कि सहाबे किराम नीचे बैठे हुए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी के ऊपर सवार है। इस तरह स्टेज लगाना कि खतीब ऊपर रहे और सामईन नीचे बैठ करके समाअत फरमाए, ये भी हदीस साबित है। तो अला नाकतिल अजबाई, अपनी ऊंटनी अजबा के ऊपर आप सवार हैं, आप ऊपर बैठे हुए हैं और सामईन नीचे, तकरीबन 1,24,000 का मजमा है, समाअत फरमाए। मुर्तिफन उसामा बिन ज़ैदी रज़ी अल्लाहु ताला, आपने अपने पीछे हजरत उसामा इब्न ज़ैद को बैठाया हुआ, आपके पीछे हजरत उसामा इब्न ज़ैद बैठे हुए, और चूंकि मैदान में आप अपने ऊंटनी के ऊपर खड़े हुए हैं, तपती धूप है, तो हजरत उसामा ने अपने कपड़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया कर लिया था। वो उसामा तो राफ़ऊन अलैहि सौबहु युज़िल्लुहु मिनल हर्री, बैठे बैठे हजरत उसामा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कपड़े का साया कर लिया था। पता ये चला कि अगर जरूरत पड़े तो जरूरत पड़ते वक्त शामियाना वगैरह जलसे के अंदर लगाया जा सकता है, जिससे लोग गर्मी या सर्दी से महफूज रहे। लिहाजा शामियाना लगाना भी और स्टेज लगाना भी सब हदीस साबित है। मुर्दिफन उसामा इब्न ज़ैद, उसामा तो राफ़ऊन अलैहि सौबहु युज़िल्लुहु मिनल हर्री, अच्छा वो बिलाल आख़िज़ुन बिक़ौदि राहिलतिही, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु आपकी ऊंटनी की महार पकड़े हुए हैं कि ऊंटनी इधर उधर भागे नहीं। पता ये चला कि अगर कोई आदमी दरमियान में खतीब को पानी वानी पिला दे, कोई खिदमत कर दे, तो ये भी जायज है। इसलिए कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी अजबा की महार पकड़े हुए खड़े हैं। वन्ना सुबैना कायमिन व काइद, और कुछ लोग खड़े हैं कुछ बैठे हैं। पता ये चला कि अगर दौरान तकरीर कुछ लोग बैठे भी हूं और कुछ लोग खड़े भी हूं, उनको खड़ा होना अच्छा लग रहा हो, खड़े होकर सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। वन्ना सुबैना कायमिन व काइद, कुछ लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग खड़े हुए थे। वन्ना सुबैना कायमिन व काइद, अब आपने तकरीर फरमाई, फहमिदल्लाह व अस्ना अलैहि, आपने अल्लाह की हमद व सना बयान की। पता ये चला कि हर काम अल्लाह तबारक व तआला की हमद व सना से शुरू होनी चाहिए, खास तौर से वाइज अपना वाज, मुकर्रर अपनी तकरीर, खतीब अपना खुतबा, लेक्चर अपना लेक्चर जब शुरू करे तो अल्लाह की तहमीद और उसकी सना के साथ शुरू करे। अल्लाह की आपने तारीफ फरमाई, सना की, और उसके बाद आपने फरमाया पहला जुमला, अज़्ज़मान, लोगों सुनो,
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض زمانا وقت घूम कर वही आ गया है जिस दिन उस पॉइंट पर आ गया है जिस पॉइंट के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने जमीनों और आसमानों को पैदा फरमाया था। इसका क्या मतलब है सुन रहे हैं आप लोग और से सुन रहे हैं आपने फरमाया अज़मान कद इस्तदार कहीअती यौम खलक अल्लाह समावाति वल अर्ध वक्त जमाना घूम कर उसी पॉइंट पर आ गया है जिस पॉइंट के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाया। इसका क्या मतलब है मतलब यह है कि जमाने जाहिलियत में कुफ्फारे मक्का हर साल में 11 दिन को मौखर कर लिया करते थे पीछे कर लिया करते 11 दिन को। इस तरह जमानों का पूरा निजाम बिगड़ गया था महीनों का पूरा निजाम बिगड़ गया था और 33 सालों के अंदर वक्त उसी जगह पर आकर ठहर गया कि यकीनन वो तारीख जो आप बता रहे हैं कि ये दिन कौन सा है ये तारीख कौन सी है घूम करके फिर जमाना वहीं पर आ गया। तो अज़मानु कद इस्तदार कहियती यौम खलक अल्लाह अस्समावात वल अर्ध और आपने फरमाया अस्सनतु इस्ना अशर शहरन महीनों की तादाद कुल 12 है साल भर में 12 महीने होते हैं अस्सनतु इस्ना अशर शहरन साल के 12 महीने होते हैं इनमें 4 हराम के महीने हैं मिन्हा अरबातुन हुरुमुन इनमें 4 महीने हराम के हैं उसमें लड़ाई हराम हुआ करती थी लड़ना ममनू हुआ करता था इन 4 महीनों का एहतराम जरूरी था। फरमाया गया सलासुन मुतवालिया तुम 3 तो पैदर पे हैं और एक आखिर में चल करके है वरजब मुजर बताया गया सलासुन मुतवालिया ज़ुलकादत व ज़ुलहज्जत व मुहर्रम ये 3 तो मुसलसल और वरजब मुजर अल्लज़ी बैन जुमादा व शाबान जुमा तलाखिर और शाबान के दरमियान जो है रजब वो एक महीना इस तरह 4 महीने हराम के महीने और उसके बाद आपने फरमाया बताओ ये कौन सा महीना है अय्यु शहरिन हादा लोगों को मालूम है ये कौन सा महीना है लेकिन सब खामोश हैं। जब आपने ये पूछा कि ये कौन सा महीना है तो लोगों ने कहा अल्लाह और रसूल आलम अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं इसलिए कि सहाबे किराम ये समझ रहे हैं ये देख रहे हैं कि महीना हमें भी मालूम है कौन सा महीना है खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम है महीना कौन सा है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस महीने का नाम बदल कर कुछ और रखना चाह रहे हैं। लिहाजा तमाम सहाबे किराम ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। एक बात बताऊं इत्तेबा और इताअत का मफहूम यही है कि नबी अपनी ज़बान मुबारक से जो बोल दें चुपचाप उसे तस्लीम कर लिया जाए तीलो काल न किया जाए। और एक बात आपसे और कह दूं कि दुनिया के हर शख्सियत से दीन के मसले के बारे में दलील मांगी जाए कोई मौलवी साहब कोई मसला बताएं पूछा जाएगा कि आप दलील दें कोई शख्सियत है बड़ी से बड़ी दीन के मसले को बताएं तो आप उनसे कह सकते हैं कि आप इसकी दलील दें इवन आप सहाबी से भी मुतालबा कर सकते हैं दलील का सहाबी भी पाबंद है कि वो जो बात कहे उसकी दलील दे। सिर्फ एक हस्ती ऐसी है जो सराबा दलील है और दलील से दलील नहीं मांगी जाती वो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सहाबी से भी दलील मांगी जाती है जी हां हदीस हदीस इसरा अमान अभी अम्मा कौल कुल तो लिजाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु अज़बु असयद हिया करना قال قلت اكلها قرنا قال اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنا رواه الترمذي في كتاب الحج حضرت امام الترمذي رحمه الله اس حدیث پر کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے ابو عمار تابعی ہے تابعی کسے بولتے جس نے صحابی کو دیکھا ہو اور صحابی کسے بولتے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو حالت ایمان کے اندر اور حالت ایمان میں اس کی موت ہی ہوئی ابو عمار کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا और कहा कि हजरत एक मसला पूछना है कहा कि पूछो कहा कि बैजर का शिकार कैसा है बैजर बिज्जू एक होता वो एक होता वो बैजर बिज्जू
बिच्छू का शिकार कैसा है? कर सकते कारण आप अच्छा। फिर वो पूछ रहे हैं आकुलू कैन आई ईट इट, क्या मैं उसको खा सकता हूं? कारण मैं खा सकता। अब तो इनको खामोश हो जाना चाहिए ना, साहबी ने मसले का जवाब दे दिया। अब ये पूछ रहे हैं قال قلت اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ قال نعم، کہتے ہاں بس بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ دیکھیے یہ صحابی سے دلیل مانگ رہے ہیں کہ یہ بات اپنی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ دلیل کا مطالبہ کسی بھی ہستی سے کر سکتے ہیں، صرف اس ذات سے جو سراپا دلیل، وہ بیٹھے تو دلیل، اٹھے تو دلیل، مسکرائے تو دلیل، وہ چلے تو شریعت چلے، وہ رک جائے تو شریعت رک جائے، جو سراپا دلیل ہوتا ہے اس سے دلیل نہیں مانی جاتی، دلیل سے دلیل نہیں مانی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، سنت، قول، فعل، چیزیں آپ کو چپ چاپ ماننا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، آپ قیل و قال نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ کبھی ایسا لگے کہ خلاف قیاس ہے، خلاف عقل، تب بھی آپ کو چپ چاپ ماننا ہے، دلیل دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخوف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين رواه أبو داود في كتاب الطهارة۔ حضرت امام ابی داود رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی ابو داود شریف کتاب الطہارہ کے اندر لائے، راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسا نیچے سے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ گندگی نیچے لگتی ہے اور مسا اوپر سے کرایا جا رہا ہے۔ اور وہ فرما رہا ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خف کے اوپر سے، موزے کے اوپر سے مسا کرتے تھے۔ وہ قدر آئے تو نبی اسلام بدائی کے خلاف ہے، اس لیے کہ گندگی جہاں لگ رہی ہے وہاں نہیں صاف کیا جا رہا ہے، وہاں نہیں مسا کیا جا رہا ہے، بلکہ وہاں مسا کیا جا رہا ہے جہاں گندگی نہیں لگتی ہے، پتا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی، عقل کے اوپر ہوتی تو معاملہ اس کو الٹا ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیز بھی کرے جو ایسا لگے کہ یہ خلاف عقل ہے، عقل اس کو نہیں مانتی، چپ چاپ ہمیں ماننا ہے، اس لیے کہ اتباع کا مطلب یہی ہے کہ چپ چاپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بلا کی تو قال کو مان لی جائے، تو اتباع کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اتباع کس کو کہتے ہیں، اطاعت کس کو کہتے ہیں، ایک جملے میں جواب دے دیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو بلا چھو چرا تسلیم کر لیا جائے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایک آیت کریمہ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ آیت کریمہ دیکھیے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ علماء بیٹھے ہوئے ان کو معلوم ہے کہ اگر کسی فعل کا مفعول مطلق ذکر کر دیا جائے تو اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے میں کہوں ضربت میں نے مارا تو مار کیسی ہوئی، ایسے مار دیا ہوگا، لیکن میں نے کہنا ضربت ضربن، ضربت ضربن، میں نے اس کا مفعول مطلق ذکر کر دیا تو مطلب یہ میں نے بہت مارا اسے، بہت پٹائی گئی، تو وہ یسلمو وہ سرنڈر کر دیں، معاملہ یہی تک ہوتا لیکن مفعول مطلق لایا گیا یسلمو کا، پوری طریقے سے آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، وہ یسلمو تسلیما مکمل طور سے آپ نبی کے حوالے اپنے آپ کو کر سکتے۔ یہ ہے اتباع کا مفہوم، یہ ہے اطاعت کا مفہوم۔ آپ نے فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ قلنا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ذی الحج نہیں ہے؟ قلنا پتہ کیوں نہیں؟ صحابہ کرام کہہ رہے کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام کچھ اور رکھنا چاہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایو بلد ہذا، یہ شہر کون سا ہے؟ سب کو معلوم ہے بلد حرام ہے، مکہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا بھی نام کچھ دوسرا رکھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ بلدہ نہیں ہے، بلد حرام مکہ نہیں ہے؟ کل بلا لیکن سے بے نصر۔ آپ نے فرمایا فائیو یوم من ہذا، اب بولو مہینہ تو یہ ہے اور اسی طریقے سے شہر یہ ہے، دن پوچھ رہا ہوں فائیو یوم من ہذا وچ ڈے از دس، کون سا دن ہے یہ؟ تو صحابہ کرام نے یاد فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اور بیچ بیچ میں آپ رک جا رہے تھے، فسکت آپ رک جا رہے، سوال کر کے رک جاتے تھے، اس کا مطلب ہے مقرر کو درمیان تقریر کہیں کہیں سکوت کرنا چاہیے تاکہ سامنے والا اگر کوئی بات گریسپ نہیں کر پا رہا ہے، کسی بات کو پکڑ نہیں پا رہا ہے، تو خطیب اس دوران
जिस दौरान में वो सुकूत कर रहा है, शायद सामी उसको ग्रेस कर सके, उसे जहनशीन कर सके। आपने फरमाया कौन सा दिन है ये? लोगों ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया क्या ये यौमुन नहर नहीं है, नहर का दिन नहीं है? कुल्ला बला, हाँ अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, यौमुन नहर ही है। अब आपने फरमाया सुनो, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسَنُ قَالَ محمد کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی کہا کیا وَآرَاسَكُمْ تین چیزیں ایک مسلمان کا مال ایک مسلمان کے اوپر ایک مسلمان کی آبرو ایک مسلمان کے اوپر ایک مسلمان کا خون ایک مسلمان کے اوپر اسی طرح حرام ہے جیسا کہ یہ دن حرام ہے جیسا کہ یہ مہینہ حرام ہے جیسا کہ یہ شہر یہ مکہ یہ بلد حرام اللہ آج ایک مسلمان کی عزت و آبرو کا لحاظ نہیں کرتا ایک مسلمان کے ہاتھوں ایک مسلمان کا قتل ہو جاتا خون بہ جاتا اسی طریقے سے ایک مسلمان کا مال ایک مسلمان ناجائز طریقے سے لے لیتا ہے جبکہ ایک مسلمان کا مال ایک مسلمان کے اوپر ایک مسلمان کی آبرو ایک مسلمان کے اوپر ایک مسلمان کا خون ایک مسلمان کے اوپر اسی طرح حرام ہے جس طریقے سے یہ شہر حرام ہے یہ مہینہ حرام ہے اور یہ دن حرام ہے یہ عظمت ہے ایک مسلمان کے مال کی یہ عظمت ہے ایک مسلمان کے خون کی یہ عظمت ہے ایک مسلمان کی آبرو لہذا آپ نے بتایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے نہ لے خون نہ بہائے کسی مسلمان کی عزت و آبرو پر ہاتھ نہ ڈالے کتنی پیاری بات ہے میں نے غور کیا اس پورے خطبے کے اوپر تو مجھے تین باتیں نظر آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کو ہدف بنایا ہے ٹارگٹ بنایا ہے اپنی گفتگو کا ایک ہے نظام اجتماعی کہ ایک معاشرہ صالح کیسے بنتا ہے اچھا کیسے بنتا ہے ارے جس معاشرے کے اندر جس سوسائٹی میں جس شہر میں جس ملک میں ایک آدمی کا خون ایک آدمی محترم نہ سمجھے ایک آدمی کا مال محفوظ نہ ہو اس جگہ ایک آدمی کا مال محفوظ نہ ہو ظاہر ہے کہ ایسا معاشرہ صالح معاشرہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ کیسے ہو سکتا ہے تو ان تین چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے خون آبرو اور مال یہ اس طرح حرام ہے جس طریقے سے یہ تینوں چیزیں حرام ہیں اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا اب میں اور بولتا ہوں الا فلا ترجعوا بعدي ذلا لم يسرق بعضكم رقاب بعض بہت پیارا جملہ ہے میں تو کہتا ہوں هذه الجملة جديرة بأن تنسج من خيوط النور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جملہ اس لائق ہے کہ اسے نور کے دھاگوں سے سلا نور کے دھاگوں سے بنا ہے وہ جديرة بأن تكتب بماء الذهب یہ اس لائق ہے کہ اس کو سونے کے پانی سے آب زر سے لکھا جائے بات ہے فرما رہے الا فلا ترجعوا بعدي ذلالا يضرب بعضكم رقاب بعض سنو میرے بعد تم گمراہ مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو آج دیکھو ایک مسلک دوسرے مسلک والوں کے بارے میں کہتا ہے کہ صحابی کو نہیں مانتا یہ ولیوں کی توہین کرتا ہے یہ اللہ کو نہیں مانتا یہ نبی کو نہیں مانتا اس طریقے کا انتشار جو پھیلایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا خطبے کے اندر حجت الوداع میں کہ دیکھو ایسی حرکتیں نہیں کرنا الا فلا ترجعوا بعدي ذلالا لن يضربوا بعضكم رقاب بعض ایک دوسرے کی گردنیں ناپنے لگو ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو یہ اس لائق نہیں کہ مسلمان کہا جائے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے مسلمان ہی نہیں نبی کو نہیں مانتا صحابی کو نہیں مانتا اولیاء کی توہین کرتا ہے یہ ساری خاص کانسپریسی ہے یہ اور جن لوگوں کے بارے میں یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے میں تو کہتا ہوں کہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جن کے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور جن کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ عظمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی اولیاء کرام کا احترام جن کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ائمہ اعظم کی محبت
बारे में सब कुछ रहा है। अला चेक तो करें ना, को देख ली तुम का मनहज क्या है, का मसलक क्या है, का तरीका क्या है। आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो जो कुछ सुने उसको बयान करता फिरे और उसके ऊपर अमल करता फिरे। आपके पास से कोई बात आए तो आप उसकी तहकीक कीजिए और आप खुद जाएं, ये नहीं चलिए एक हदीस इसको प्रूव कर देता हूं। हदीस हदीस इस तरह बहुत प्यारी हदीस है। وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادتنا। मैं बुनियादी तौर पर मैं अरबी का अरबी अदब का तालिबे हूँ बेसिकली, और हदीस देखिए एक सफ़े की है जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताब किताब निकाह के अंदर लाए, मैं पूरी बात पढ़ा। وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادت النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقالوها وقالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنب يوم اخر قال احدهم اما انا فاني اصلي الليل ابدا وقال الاخر انا اصوم الدهر فلا افطر وقال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له ولكني اصوم وافطر واصلي واركض واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري في كتاب النكاح حضرت امام البخاري في پوری روایت کو ایک صفحے کے اندر اس صفحے کے اوپر بخاری شریف کتاب النکاح کے اندر لایا راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ تین آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں ازواج مطہرات ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عبادت کس طرح کرتے ہیں باہر کی عبادت تو وہ لوگ دیکھتے ہی تھے مسجد میں آپ کیا کر رہے ہیں مسجد میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں گھر کی عبادت پوچھنے کے لیے آئے اور جب امہات المومنین نے گھر کی عبادت کے بارے میں بتایا تو انہیں کم لگا ایسے معمولی عبادت کر لیتے ہیں اور پھر انہوں نے تعلیم بھی کری ارے ہم کہاں اور نبی کہاں وہ عین نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عربی ادب کا ایک اسلوب ہے بولنے کا جیسے کہا جائے کہ عین سریا من السارا کہاں زمین کہاں آسمان تو وہ عین نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہاں اور نبی کہاں قد غفر له ما تقدم من ذنب يوم اخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہے تو آپ اگر کم بھی عبادت کریں تو چل چلنے والا ہے چل جائے گا لیکن ہم لوگوں کو چونکہ ہم امتی ہیں ہمارے اگلے بجلی خطائیں تو معاف نہیں ہے لہٰذا ہم لوگوں کو زیادہ ہی بات کرنی چاہیے تو ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا اور رات رات بھر عبادت کروں گا سوؤں گا ہی نہیں ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا بیچ میں گیپ ہی نہیں کروں گا ایک نے کہا میں بیوی بچوں کو جھنجھٹ ہی نہیں پالتا اللہ کی طرف یسو ہو جاتا ہے اب دیکھیے کیا مسلسل رات بھر عبادت کرنا کوئی برا کام ہے مسلسل روزے رکھنا وہ اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہنا ہے کوئی برا کام ہے اور بیوی بچوں کو چھوڑ دینا یا اسی طریقے سے بیوی بچوں کا جھنجھٹ ہی نہیں پالنا اللہ کے لیے یہ کوئی برا کام ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو تینوں یہ کہہ کر کے گئے فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم آپ دیکھ رہے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چل کر آئے ادب کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ حدیث کے جملے کا کیا مطلب ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چل کر آئے فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم ان کے پاس اب چل کر آئے اور پوچھا فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے کہا کہ ہے اللہ کے رسول سے آپ نے فرمایا اما والله الا اخشاكم لله میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بات کہا تم لوگ اور میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں دیکھیں تقوا یہ نہیں ہے کہ رات رات بھر عبادت کی جائے تقوا یہ نہیں ہے کہ مسلسل روزے رکھے جائیں تقوا یہ نہیں ہے کہ بیوی بچے نہ رکھے جائیں شادی نہ کی جائے تقوا یہ ہے کہ نبی جو عمل کریں چپ چاپ اس کے اوپر آدمی عمل کرتا جائے یہی تقوا ہے نہیں تو یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے اور بہت بڑے عمل کی طرف جا رہے تھے آپ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا بات کا تم لو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں لیکنی اصوم و افطر میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں وہ اسلی بات کو میں نماز پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں بات سب جو نساء میں عورتوں سے شادی نہیں کرتا ہوں تمہیں تو صرف چار کی اجازت مل تو کئی بھی ہیں فمر رغب عن سنتی فلیس مننی جو میرے طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے پتا یہ چلا کہ تقوی یہ ہے اور اللہ کی
वसीयत ये है कि नबी के तरीके को फॉलो किया जाए चुपचाप, अपनी तरफ से ना बढ़ाया जाए ना घटाया जाए, अपनी तरफ से ना बढ़ाया जाए ना घटाया जाए। एक हदीस और पढ़ देता हूं मैं, हदीस हदीस किसान وعن نافع أن رجلا أتصى إلى جنب بن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال ابن عمر ما نقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال رواه الترمذي في كتاب الأدب حضرت إمام الترمذي رحمه الله اس حديث پاک کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب الأدب کے اندر رابع حضرت نافع دیکھو ہمارے سند ہوتی ہے نا سند तो पढ़ाई जाती है चाहे वो किसी भी मसलक के हों शवाफे हों अहनाफ हों अलहमदिल्ला पढ़ाया जाता है उनका बुखारी शरीफ है नमाजी शरीफ कुतुब सित्ता है सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है तो पहले सनद होती है और वैसे भी जब खत्म बुखारी का मामला होता है खत्म बुखारी का वक्त होता है तो बाकायदा सनद वो आखिर तो पढ़ाई जाती है हजरत अपने से लेकर इमाम बुखारी रहमत मैंने एक तकरीर के अंदर अपने से लेकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी सनद मुज़बानी बयान कर दी जी आपने तो सुना होगा इंटरनेट के ऊपर है जी तो आमतौर पर सनद इस तरह जिक्र की जाती है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस तरह जिक्र करते हैं यरमिल मुज़नी अन शाफी अम मालिक अन नाफी अन इब्न उमर रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि देखिए हर एक रावी अपने उस्ताद से रिवायत कर रहा है इस रिवायत को मुत्तसिल सनद रिवायत कहते हैं यानी हर एक अपने उस्ताद से रिवायत करता है बीच में इनखता नहीं है तो इमाम मुज़नी रिवायत करते हैं अपने उस्ताद इमाम शाफी से इमाम शाफी रिवायत करते हैं अपने उस्ताद इमाम मालिक से इमाम मालिक रिवायत करते हैं अपने उस्ताद इमाम नाफी से हजरत इमाम नाफी रिवायत करते हैं अपने उस्ताद मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये लिंक है जी तो हजरत नाफे ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द हैं वो बयान करते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग तो आपके पास एक आदमी बैठा हुआ था अचानक उसे छींक आई अतसत ओ छींक छींक मारा उसने तो कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह व सलाम अला रसूलिल्लाह हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फौरन डांट गया कहा कि कार उम्र माना कूल अल्हम्दुलिल्लाह व सलाम अला रसूलिल्लाह मैं भी बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह व सलाम अला रसूलिल्लाह लेकिन छींक के मौके पर वलीस हकदा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लमना नकुल अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व सलाम अला रसूलिल्लाह माने जोड़ा है हालांकि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना और दरूद भेजना का बुरा काम है लेकिन चूंकि वो मौका नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मौके पर जितना बताया उतना ही कर रहा है यही इत्तेबा यही था घटाइए ना बढ़ाइए जी तो ये तो प्रूफ हुआ तो अला फला तरजू बादी सुल्ला लम यज़रिबु बादुकुम रिक़ाबा देखो मेरे बाप तुम लोग गुमराह मत हो जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो आज के लिए हो रहा है आज के लिए हो रहा है अरे बाप लोगों ने तो ये कहा कि ये इस लायक है आतंकवादी है बोलते देखो इनको पाकिस्तान भेजो या इनको जेल भेजो कितनी गलत बात हमारे यहां तो एक मस्जिद बनाने दी है मस्जिद में बना हुआ इंटरनेट के ऊपर मौजूद है एसपी किस कदर बिगड़ा हुआ है कि हमारे हिंदू महल के अंदर अगर कोई ऐसी बात होती तो हम मस्जिद बनाने की इजाजत देते हम कोई तकलीफ नहीं और तुम मुसलमान हो तुम मस्जिद बनाने नहीं दे रहे हो अल्लाहु अकबर अला फला तरजू बादुसुल्ला लन यज़रिबु बादुकुम रिक़ाबाबास देखो मेरे बाद तुमको बरामद हो जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगना उसके बाद आपने फरमाया वसतलकौन रब्बकुम अन करीब तुम अपने रब से मिलने वाले हो बाज लोग ये सब हरकतें इस वजह से करते हैं वो ये समझते हैं कि दुनिया ही रहना है कुछ पैसे मिल जाएंगे लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि उनकी एक हरकत रिकॉर्ड की जा रही है वसतलकौन रब्बकुम अन करीब तुम अपने रब से मिलने वाले हो फयसअलुकुम अन आमालिकुम तुम्हारी हरकतों के बारे में तुम्हारे आमाल के बारे में मुकम्मल पूछताछ होने वाली है तुम क्या कर रहे हो वसतलकौन रब्बकुम फयसअलुकुम अन आमालिकुम तुम्हारे अमलों के बारे में पूछा जाएगा तो सवाल आपने फरमाया अला ला यजनी जानिन इल्ला नफ्सी कोई अगर जुल्म करने वाला है तो अपने नफ्स को जुल्म करता है क्या मतलब खता कोई करे सजा किसी को मिले ऐसा नहीं है हमारे न दुनिया में और ना आखिरत में दुनिया में मुजरिम को ही सजा दी जाएगी जुर्म कोई करे सजा किसी को मिले ऐसा ही नहीं है बाप अपने बेटे के ऊपर जुल्म न करे और बेटा अपने बाप के ऊपर जुल्म न करे कितनी प्यारी तालीम है सबसे गहरा ताल्लुक एक आदमी का अपने बाप से होता है अपनी मां से होता है तो उनके ऊपर जुल्म करने का मतलब क्या है बेटा अपने बाप के ऊपर जुल्म करे बेटा अपनी मां के ऊपर जुल्म करे का मतलब यह है कि उनके बुढ़ापे के अंदर उनको बेयार मददगार छोड़ उन्होंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे रातों की नींद और दिन का चैन कुर्बान कर दिया तो एहसान का मतलब एहसान से होना चाहिए
बे अरब का प्यार छोड़ दे भाई, तो सारा से जुल्म है। और इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि एक बेटा अपने बाप के ऊपर जुल्म करे, अपनी मां के ऊपर जुल्म करे। तो ना तो बाप अपने बेटे के ऊपर जुल्म करे ना बेटा अपने बाप को। बाप अपने बेटे के ऊपर जुल्म करने का क्या मतलब, उसे अच्छी तालीम न दे, उसे आवारा घूमने दे, उसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश ना करे, ये बेटे को ऊपर जुल्म। दोनों को पाबंद कर दिया गया कि दोनों अपने हुकूक का ख्याल। अला ला यजनी जान इल्ला अला नफ्सी वला यजनी वालिदुन अला वलदी वला वलदुन अला वालिदी। आगे फरमा अला इन्नल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान एक मुसलमान का भाई है। अल्लाह अकबर, यहां जितने बैठे हुए हमारा इनसे एक रिश्ता है, हमारे पास बैठे हुए हमारा इनसे एक रिश्ता है, पास में बैठे हुए हमारे इनसे एक रिश्ता है, ये रابطہ और अलाका एक रिश्ता है हमारे दरमियान, और इतना गहरा है जो खून के रिश्ते से भी बुलंद है, ये इस्लाम का रिश्ता है। अला इन्नल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, ऐसा कहा गया एक इस्लाम वाला एक इस्लाम वाले का भाई है। गोया कि ईमान और अकीदे और इस मजहब ने इस्लाम ने हमको एक धागे में बांध दिया, जैसे तस्बीह के धागे होते हैं इस तरीके से तस्बीह के धागे के अंदर वो दाने होते हैं, तो एक धागा है उस धागे के अंदर ये तमाम के तमाम दाने पिरोए हुए, और ये रिश्ता है, ये जो धागा है ये सारे दानों को जोड़े हुए है। इसी तरीके से ये जो इस्लाम ईमान और अकीदे का जो रिश्ता है एक मुसलमान का एक मुसलमान के साथ, ये सबसे गहरा रिश्ता है, खून के रिश्ते से जो बना है, खून के रिश्ते से जो बना। हजरत अब्दुर रहमान इब्ने अबी बकर एक दफा कहने लगे बाद में मान लें, कहा कि अब्बा जंग के बदर के अंदर आप मेरे टारगेट पे आ गए, मैं चाहता तो आपको मार सकता, मैं आपको कत्ल कर सकता था, मुकम्मल आप मेरे निशाने पर थे, लेकिन मैंने समझा मेरे बाप, मैंने आपको नजरअंदाज कर दिया। कहा खैर मना बेटा, तुम मेरे टारगेट पे नहीं आया, रब्बे काबा की कसम अगर तुम मेरे टारगेट पे आता तो मैंने देखा तो मेरा बेटा मैं तुझे मार देता। पता ये चला कि इस्लाम का रिश्ता ईमान का रिश्ता अकीदे का रिश्ता ये सबसे गहरा रिश्ता होता है। खुदा के लिए इस रिश्ते को ज़बह मत कीजिए, इस रिश्ते को खराब मत कीजिए, ये बड़ा गहरा रिश्ता होता है, और अल्लाह और उसके रसूल ने इस रिश्ते के अंदर हमको पिरोया। आप कौन होते हैं इस धागे को काटने वाले और तस्बीह के तारों को बिखेरने वाले, ये जुल्म नहीं है कि धागे को काट दिया जाए तस्बीह के तारे बिखर जाए जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने जोड़ा था। अला इन्नल मुस्लिम अखुल मुस्लिम फलैस यहिल्लु लिमुस्लिम मिन अखीहि शैउन इल्ला मा हल्ल मिन नफ्सिह। मुसलमान का माल नहीं ले सकते आप, इतना ही जितना वो आपके लिए हलाल कर दिया, जितना उसकी तरफ से हलाल कर दिया गया आप कर सकते, इल्ला मा हल्ल मिन नफ्सिह। आगे फरमाया गया अला आप तो ये कह रहा था कि इस खुतबे के अंदर लगता है तीन बातों को काफी टारगेट किया गया, एक तो निजाम इज्तिमाई कि हमें रहना किस तरीके से, और एक सियासी निजाम, सियासी निजाम खून आबरू और माल, ये तीनों चीजें महफूज हो जाए सियासत आला दर्जे की। सियासत खराब वही होती है जिसके अंदर ये तीनों चीजों का लिहाज ना रखा जाए, आदमी का माल महफूज ना रहे कौन सी सियासत, आदमी का खून महफूज ना रहे जान महफूज ना रहे कौन सी सियासत, आदमी की आबरू महफूज ना रहे कौन सी सियासत। तो निजाम इज्तिमाई के ऊपर इस पर जोर दिया गया, निजाम सियासी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, निजाम इज्तिमाई और निजाम सियासी। और आगे फरमाया गया अला व इन कुल रिबन फिल जाहिलियत मौजूद, जितनी रिबा की सूरतें हैं सूद की, और मैं आपको बता दूं कि सूद इतना खतरनाक अमल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके 73 अक्साम हैं, इनमें सबसे छोटी किस्म सबसे छोटा दर्जा अय्यन के हर रजुल उम्महू, आदमी अपनी मां से निकाह करने के मसाबे में है के मरते हैं, और इससे बड़ा सूद क्या है, इस सूद से भी बड़ा सूद वही ना अरबर रिबा इर्जुर रजुल मुस्लिम, इर्जुर रजुल मुस्लिम किसी मुसलमान का आदमी की इज्जत के ऊपर हमला करना, ये सबसे बड़ा सूद है। तो यहां बताया गया कि सूद इतना खतरनाक है, आपने फरमाया सूद को क्यों हराम किया गया मालूम है, इसमें तमाम के तमाम इंसान तबकों में बढ़ जाते हैं, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। और अगर इंसान गौर से सुनिए, सूद को अगर जायज कर दिया जाए तो लोग तबकात में बढ़ जाते हैं, यकून निजामुत
तब निजाम तबकाती हो जाता है, लोग मुख्तलिफ तबकों में बढ़ जाते, ये गरीब या अमीर। और इस सूरत में अमीर अमीर तरीन होता चला जाता है और गरीब गरीब तरीन होता चला जाता है, भूखों मरने लगता है। कितनी खतरनाक बात है। तो ये सूद का जो निजाम है ये लोगों को तबकात में बांट देता है। और जाहिर है कि कोई मुआशरा अगर तबकात में बटा हुआ हो वो अच्छा मुआशरा नहीं होता। एक तो इंतफा कर रहा है और दूसरा बेचारा यूज किया जा रहा है, एक यूजर एक यूज्ड है। जाहिर है कि ये तबकाती निजाम आगे चल करके बहुत ही खतरनाक नताइज से इंसान को दुचार करने वाला। आपने फरमाया कि हर किस्म का सूद मैं हराम करता हूं, और आपने नहीं कहा मैं हराम करता हूं, अपने पैर के नीचे कुचल दे रहा हूं। ये ताबीर है, खूबसूरत ताबीर है, मैं तो पैरों के नीचे कुचल दे रहा हूं। कदम ही मौजूद मेरे कदम के नीचे रख दे रहा हूं। इसका मतलब यह है कि किसी भी तरीके से सूद जायज नहीं। आज लोग ये पूछते हैं मौलाना अगर ऐसा कर लिया जाए, अरे भाई सबसे बड़ा मुफ्ती तो आपका दिल है, आप देखिए ना कि अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है। मौलाना से आप खुद सुधरिए, आप कानून के अंदर लचक क्यों चाह रहे हैं? आप कानून के अंदर लचक चाह रहे हैं, आप खुद आप अपने अंदर लचक नहीं पैदा कर रहे। आप चाह रहे कि कानून के अंदर लचक पैदा हो और मौलवी साहब को ऐसी सूरत निकाल दें जिससे आपका मामला हल हो जाए। तो हाउस लोन लेना मौलाना कैसा है, तो फला काम कर, ये सब तीलो काल है, जानते हैं यहूदी इसी तीलो काल की वजह से दबाव बर्बाद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह यहूदियों पर लानत करे कि जब उनके ऊपर चर्बी हराम की गई तो चर्बी तो नहीं खाया उन्होंने, चर्बी बेच कर तो उसकी कीमत खा गए। ये हीला है, इस तरह हीले में किस तरह। तो जितनी भी सूद की सूरत है सब की सब हराम कर दी गई है। तुम अपना रसूल मान लो, ना तुम रूह सोमल ना तो सुन कौन करते हो, तुम्हारे जो रसूल माना सब ना ले। और सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब का सूद रद्द करता हूं, कैंसिल करता हूं, अपने पैर के नीचे रहता हूं। एक नुक्ता यह मिला कि तबलीग अपने घर से शुरू होनी चाहिए, तबलीग अपने घर से शुरू होनी चाहिए। और एक नुक्ता यह भी मिला, अगर जरूरत हो तो सामईन में बैठे हुए किसी आदमी का नाम भी लिया जा सकता है। आपने फरमाया कि सबसे पहले मैं सूद को कलदम करार देता हूं और अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब का सूद पहले रख करता हूं मेरे चचा। तो तबलीग अपने घर से शुरू, आप अपने नफ्स पर पहले तबलीग कीजिए, आप सुधर गए, आपका पूरा घर सुधर गया, बेटी सुधर गई, बेटा सुधर गया, सारे लोग सुधर गए। अब महल्ले के अंदर आपने की इस तरीके से स्टेप्स, तो तबलीग अपने घर से शुरू। मैं अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब का सूद माफ करता हूं, खत्म करता हूं। और आपने फरमाया और सबसे पहले मैं खून को अपने जो जमाने जाहिलियत के खून अपने पैरों तले रखता हूं, सबसे पहला खून जिसे मैं अपने कदमों तले रौंद रहा हूं जाहिलियत के खून, वो हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब का है जो बनू लैस के अंदर दूध पी रहा था और हुज़ैर ने उसको कत्ल कर दिया था। तो मामूली मामूली बात पर बरसों लड़ाइयां चलती रहती थी और तरफ़ैन के बेशुमार लोग कत्ल कर दिए जाते थे मामूली मामूली बातों के ऊपर। हुज़ैर ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया था, भाई औरतें नफरतें बढ़ रही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उस खून को माफ करता हूं। और आपने फरमाया अला वस्तौसु बिन्निसाई खैरन فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ। आपने फरमाया मैं नसीहत कर रहा हूं, वसीयत कर रहा हूं कि औरतों के साथ तुम अच्छा सुलूक करोगे, औरतों को बिला वजह सताओगे नहीं, औरतों को बिला वजह मारोगे नहीं। बात औरतें जरा कबूल सूरत नहीं होती लेकिन कबूल सीरत होती। तो अगर कबूल सीरत ना मिले, कबूल सूरत ना मिले तो कबूल सीरत को अल्लाह का इनाम समझो। इसलिए कि किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती हैं आंखें, उससे खुश होता है दिल। तो आप कबूल सूरती को प्रीफरेंस ना दे करके आप कबूल सीरती को प्रीफरेंस दीजिए और इनको मत सताइए। मेरी ये वसीयत है उनके साथ तुम खैर का बर्ताव करो। क्यों? फइन्नमा हुन्ना अवानिम इंदकुम, आनिया के आनिया की जमा अवानिम,
असीरा कैदी, ये औरतें तुम्हारे पास कैदी हैं। या कैदी कह करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा ज़ाब्ता बता दिया है। देखिए कि जेल का खाना वैसा ही होता है जैसा जेलर चाहता है, शौहर की जितनी ताकत है, जितनी इस्तेदात है, जैसा वो खाना मुहैया कर पा रहा, अफोर्ड कर पा रहा, बीवी को उसी पर गुजारा करना चाहिए। एक नुकता तो ये मिला, ज्यादा मुतालबा नहीं करना चाहिए। और दूसरी ये कि कैदी का एक मखसूस लिबास होता है जो जेल वाले मुतय्यन करते हैं, शौहर जो कपड़ा अफोर्ड कर सके वो कपड़ा आप पहने, शौहर से उससे ज्यादा मुतालबा न करें। दूसरे ये कि जेलर जो भी चाहे चीजें कहे वो कैदी को मानना है, ऐसे ही शौहर जो भी जायज चीज अपनी बीवी से कहे, जो कुरान हदीस के खिलाफ ना हो किताब सुन के खिलाफ, चुपचाप से मान लेना चाहिए, इसलिए कि वो कैदी है। यहां कैदी कहा गया उसको असीरा। अब कैदी का लफ्ज आप अपने तसव्वुर में ला करके आप देखिए कि आपका हक उनके ऊपर क्या है, उनके हकूक आपके ऊपर क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। फैनमा हुन अवान इंदकुम लैस तमलिकून मिनहुन शैअन गैर ذلك, आप इसके अलावा किसी चीज के मालिक नहीं। इल्ला यातीन बिफाहिशतिन मुबयना, आप उनको मार नहीं सकते इल्ला ये कि वो कोई गलती करे तो उसके स्टेप्स हैं। फइन फअल फहजुरून फिल मजाज, पहले ये कि मिस्टर ये लगता था उन्हें समझाओ और ना मारे तो फिर मारो, लेकिन मार कैसी, वज़रिबूहुन ज़रबन गैर मुबर्रहिन, टूट फूट वाली मार नहीं होनी चाहिए। फइन अतान को फला तबू अलैन सबीला, अगर वो फिर मान ले तो फिर उनके पीछे खामखा उसमें कीड़े मत निकालते बैठो, तूने ऐसा किया तो तूने वैसा पहले किया था, मान गई ना। फइन अतान को फला तबू अलैन, आगे आपने फरमाया अला इन्न लकुम अला निसाइकुम हक्कन सुल्लो, तुम्हारा तुम्हारी बीवियों के ऊपर हक है। क्या हक है? और तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवियों का हक है, तुम्हारा उनके ऊपर, उनका हक तुम्हारे ऊपर। अब तुम्हारा हक उनके ऊपर क्या है वो बताया जा रहा है। तुम्हारा हक बीवियों के ऊपर यह है कि फला यूतियन्न फुरुशकुम मन तकरहु, तुम्हारे बिस्तरे पर गैर को ना आने दें। एक वला याज़न्न फी बुयूतिकुम लिमन तकरहून, जिनको तुम नापसंद करते हो उनको घरों में मत आने। फला रिश्तेदार मेरे घर में नहीं आना चाहिए, क्या हुआ तुम्हारा रिश्तेदार लेकिन मेरे घर में नहीं आना चाहिए। तो औरत को चाहिए इसको माने, जिस आदमी का घर में आना शौहर को नागवार गुजरता हो, नापसंदीदा हो, औरत को चाहिए तो उसको घर में मत आना। एक बात तो यह हक, इसके बाद फरमाया गया अम्मा हक्कुकुम अला निसाइकुम, ये हुआ अला व इन हक्कहुन अलैकुम, उनके हुकूक तुम्हारे ऊपर क्या, अंतो सुनु इलैहिन फी किस्वतिहिन व तआमिहिन, अच्छा खिलाओ और अच्छा पहनो। अतुहसिनु इलैहिन फी किस्वतिहिन व तआमिहिन, अच्छा पहनो अच्छा खाओ अपनी इस्तेदात के मुताबिक, ये हुकूक बयान कर दिए गए। इसलिए कि शौहर और बीवी इन्हीं दोनों से मुआशरा बनता है, अगर इन्हीं दोनों के अंदर तकरार और झगड़े होते रहे पूरा मुआशरा तबाह बर्बाद होकर के रहता है। इसी वजह से शैतान सबसे ज्यादा शाबाशी किस शैतान को देता है, उस शैतान को जो मियां बीवी के दरमियान झगड़ा लगा देता है। और आगे आपने फरमाया सर आपने ऊपर उठाया तुम्हारा फारासा उलस समाई, आपने अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया। एक नुक्ता यह मिला कि तकरीर के दौरान आदमी इशारा कर सकता है सर के जरिए, हाथ के जरिए, जिस तरीके से चाहे इशारा कर सकता है। तुम फारासा उलस समा अल इशारा इन द खुतबा इन द खिताब, तकरीर के वक्त इशारा ये जायज है, कर सकता है। तो तुम फारासा उलस समा, आपने आसमान की तरफ सर उठाया और फरमाया अला हल बल्लगतु अला हल बल्लगतु, क्या मैंने पहुंचा दिया, क्या मैंने पहुंचा दिया। इसका मतलब ये है कि कयामत के दिन नबियों से अपने उम्मतियों के बारे में पूछा जाना है और उम्मतियों से अपने नबी के बारे में पूछा जाना है। अल्लाहु अकबर, उम्मती से पूछा जाएगा उम्मतियों से कि ये तुम्हारे दरमियान गए थे, नबी के बारे में पूछा जाएगा, अरे कौमें कह देंगी ये नहीं आए थे, ऐसी बदमाश उम्मत है नहीं, अपने नबी के बारे में कह देंगे हम जानते हैं कौन है, आया ही नहीं था। तो बुलाया जाएगा उम्मत मोहम्मदिया को, चल करके गवाही दे कि हजरत लोग अपनी कौम के पास गए थे कि नहीं, तो उम्मत
तो पूछा जाएगा तुम्हें कैसे मालूम? कहा कि तेरी किताब के जरिए मालूम, तेरे नबी ने बताया और तू सच्चा, तेरा नबी सच्चा। तो नबियों के बारे में उनकी उम्मतियों से, उनकी उम्मत से पूछा जाए और नबी से उनकी उम्मत के बारे में सवाल किया जाए। आपने उन तक पैगाम पहुंचाया कि नहीं? इस वजह से आप अल्लाह बल्लम तू, मैंने पहुंचा दिया, गवाह रहो कि ये मत कहकर मैंने पहुंचाया नहीं। अल्लाह बल्लम तू, अल्लाह बल्लम तू, पहुंचा दिया। तबों ने, सबों ने कहा कि अल्लाह के रसूल आपने पैगाम पहुंचा दिया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी से आपको होना बड़ा हो गया। एक नुकता यह भी मिला कि किसी आदमी के ऊपर कोई जिम्मेदारी डाल दी जाए तो उस जिम्मेदारी से अच्छी तरह ओहदा भरा हो, और उसके बाद आदमी एक साई ऑफ रिलीफ लेता है, मीनान का सांस लेता है, हा इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी अब कंधों से उतर गई। अल्लाह हम बल्लम तो, अल्लाह हम बल्लम तो, क्या मैं पहुंचा देगा? अब एक जिम्मेदारी और, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, अब मेरे बाद कयामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है, मैं खातिमुन नबी ही हूं, अल्लाह ने फरमा दिया सूरह अहज़ाब पर, मेरे बाद कोई नबी आने वाला, तो अब तबलीग की जिम्मेदारी उम्मतियों के ऊपर, वो तबलीग करे। यहां सारे लोग आए नहीं है, तो जो लोग यहां मौजूद हैं, जो गैर मौजूद हैं, उन तक ये बात पहुंचा देंगे, मौजूद गैर मौजूद लोगों को ये सारी बात पहुंचा देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जुमले के ऊपर अमल इस वक्त हो ही रहा है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें उस वक्त फरमाई थी, मैंने पहले अरबी में आपके सामने पेश कर दिया, उर्दू में आप तक पहुंचा रहा हूं। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी सआदत है, और आप हजरत तशरीफ लाए हैं, आपके लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। आपने फरमाया कि एक बात आदमी के पास पहुंचती है तो जो पहुंचा रहा है उसे वो नुक्ता मालूम नहीं होता, जिसके पास पहुंचाया जाता है उस बात को उसके अंदर से नुक्ता निकाल देता है। फलाल्ला बाज़ा मन यबलुहु अन यकून अव्वल मिन बाद मन समिअ, हो सकता है कि बयान करने वाला वो नुक्ता न समझ सके, वो नुक्ता उसके जहन में ना आए, या उससे इस्तिदलाल ना कर सके, जिसके पास पहुंची है वो हदीस उससे कोई नुक्ता निकाल ले। उसके बाद आपने फरमाया नसरल्लाहु इमरान समय मकालती फबल्लगहा, अल्लाह उस आदमी को तरोताजा रखे, नजरा दे, नजरा, नजरा का मतलब क्या होता है? नजरा का एक मतलब होता है जन्नत, जन्नत जी। अल्लाह ने फरमाया नहीं सूरह इंसान के अंदर वलक्काहुम नजरतम वसूर, अल्लाह उनको नजरा अता करेगा और सुरूर अता करेगा। तो नजरा का मतलब है ले लो चेहरे का हुस्न, ये चेहरे के अंदर बशाशत रहेगी, और सुरूर का मतलब दिल के अंदर खुशी होगी। वलक्काहुम नजरतम वसूर, एक जगह फरमाएगा नजरतन नईम, नजरतन नईम जन्नत का नजरा, यानी आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में जन्नत की दुआ दी कि अल्लाह उसको जन्नत दे, दुनिया में भी एवरग्रीन रखे, तरोताजा रखे, और आखिरत में भी उसको नजरा अता फरमाए, जन्नत अता फरमाए। किस बात पर? समय मकालती, मेरी बात सुने, इसका मतलब यह है मेरी बात सुने, सुनने के बाद उसकी तबलीग करे। फबल लगा, यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के लिए जन्नत की दुआ फरमाई है और चेहरे की बशाशत की दुआ फरमाई है, एवर ग्रीन होने की दुआ फरमाई है जो आदमी नबी की बात सुने। सवाल यह है कि नबी के जबान मुबारक से क्या निकला? दो चीजें निकली, एक कुरान एक हदीस। आइए प्रूफ कर लेते इस बात को, हदीस हदीस इसरा وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد تركت فيكم شيئين لن تزلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرجع علي الحوض رواه الحاكم في المستدرك في كتاب العلم حضرت امام حاكم رحمه الله اپنی حدیث کی استاد مستدرک الصحیح ہے کتاب العلم کے اندر یہ روایت لائے اور الفاظ مستدرک الصحیح ہیں کہ راوی حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں बेशक मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ दी हैं, इनके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे, यानी इन्हीं दोनों को मजबूती से हमें पकड़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दो बातें बयान फरमाई है, कुरान और एक हदीस, हदीस ये चीज पर। तो जो इन दोनों की तबलीग करेगा, मेरे लिए उसकी मेरी दुआ है उसके लिए कि वो तरोताजा रहे, चेहरे की बशाशत हो उसके लिए, दिल का सुरूर हो, आंखों का नूर हो, और कयामत में उसको जन्नत मिले। मैदाने हश्र के अंदर वो तरोताजा रहे, कभी मुरझाए ना।
ये दुआ है। समय मकालती, मेरी बात सुने। फबल्ला कहा, ये हा की जमीर मकाले की तरफ लौट रही है, मकाले का मुअन्नस उसकी तरफ लौट रही है, जो मेरी बात सुने और उसकी तबलीग करे। फरुबहा मिले फकीर गैर फकीर, कुछ ऐसे होते हैं कि हदीस याद होती है उनको लेकिन दूसरों तक पहुंचा दे तो उसके अंदर से वो सारी चीजें निकाल सकते, वो फकीर नहीं होते। वह फरुबहा मिले फकीर की लापन हो अफ, जिसके पास पहुंचाया जा रहा है वो ज्यादा समझदार हो, वो ज्यादा उसके अंदर से मसले निकाले। उसके बाद फरमाया गया सलासुल्ला यकीनु अलैहि कल्बु मोमिन, तीन बातें इंसान मोमिन मजबूती से पकड़ेगा, तीन बातें जरूर करेगा, दिल में अपने इसके ताल्लुक से कोई खोट नहीं रखेगा। क्या तीन चीजें? इखलास अमल लिल्लाह, जो काम करे वो सिर्फ अल्लाह के लिए करे। देखिए कोई काम दुनिया को दिखाने के लिए ना करे, अगर दुनिया के दिखाने के लिए कोई अमल कर रहा है तो वो अमल इखलास से भरा हुआ नहीं, अल्लाह के नजदीक उसकी कोई कदर कीमत नहीं। इखलास अमल लिल्लाह, अल्लाह के लिए अमल को खालिस कर लेना। और वह नसीहत उलात मुस्लिमीन, जो ऑफिसर्स हैं जो ओहदों के ऊपर हैं या उलमा, कोई अगर कोई गलती करें तो उनको नसीहत की जाए, खासतौर से हाकिमों को नसीहत की जाए कि आपको अल्लाह ने पोस्ट अता फरमाया, आपसे यह गलती हो रही है, एक खरखाई है। और दूसरे एक उनका साथ दे, अगर अच्छा है तो आप पूरा साथ दें, खाम खा उसके अंदर कीड़े मत निकाल, तो उसकी खरखाई है। वह नसीहत उलात मुस्लिमीन, कुछ खामियां हों तो खामियों से उसे मुतरबे कर दिया जाए और उसकी खैर खा दी जाए, खाम खा कीड़े मत निकाले, इसलिए कि हर आदमी खताकार है। फरमाया गया कि सलासुल्लाह यकीन अलैहिन कल्बु इखलास अमल लिल्लाह और वह नसीहत उलात मुस्लिमीन, मुसलमानों के जो ऑफिसर्स हैं, मुसलमानों ने जिनको बड़ा बना दिया है, आप उनके लिए खैर खाई। वो लुजूम जमात, जमात के साथ जुड़े रही है, इसलिए कि अगर आदमी जमात से निकल गया तो उसकी मिसाल उस बकरी की सी हो जाती है जो रेवर से अलग हो गई। जाहिर है कि जो बकरी रेवर से अलग हो जाए राई की निगाह बचा करके हमेशा भेड़िए की नजर में रहती है, तो वो लुजूम जमात है, जमात को आप पकड़े रही। और बड़ी प्यारी बात कही है, दावत हम तो ही तुम आए, यह दावत जो पेश किया, तबलीग जो की जाती है, इतनी बड़ी फजीलत है उसकी, अल्लाह और उसके रसूल की बात को दूसरों तक पहुंचाना, कि तौहीद में मर आए, अल्लाह की रहमत उसको चारों तरफ से घेरे रहती है, उसके पीछे अल्लाह की रहमत उसको घेरे रहती है, वो अल्लाह के दीन पे लगा हुआ है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत में लगा हुआ है। दावत तौहीद में मर आए, उसके पीछे से उसको घेर लिया जाता है, उसकी दावत उनकी दावत पीछे से घेर लेती है। फैन दावत तौहीद में मर आए। अच्छा, उसके बाद आपने फरमाया या अय्युहन नास इत्तकुल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। मैं ये कहूं कि साउल सोल ऑफ द शरीयत, सोल ऑफ द शरीयत, शरीयत की रूह अगर आप कह सकते किसी चीज को, वो तकवा है। एक खूबसूरत गाड़ी है, कितने की लाया है? 50 लाख की। हाँ, इतनी महंगी? अच्छा, हाँ देखिए ना उसका इंजन, देखिए कितना अच्छा है। हाँ, इंजन बहुत अच्छा है, अब कलर भी बहुत खूबसूरत है, और सीटें जो मकाइद हैं वो भी बड़ी अच्छी अच्छी हैं, सब चीजें सही हैं। बताइए इसमें ब्रेक है कि नहीं है? बोले ब्रेक तो नहीं है। फिर बोले गाड़ी भी जाएगी, तू भी जाएगा। इसका मतलब यह है कि असल चीज गाड़ी के अंदर ब्रेक होती है, ब्रेक जो सारी चीजों को कंट्रोल करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकवा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गाड़ी के अंदर ब्रेक, ऐसे तुम्हारी जिंदगियों के अंदर तकवा की वही अहमियत है जो एक गाड़ी के अंदर एक ब्रेक की अहमियत होती है। हर जगह आपको अल्लाह का तकवा रोकेगा, आप गलत रास्ते पर चलने लगेंगे तकवा आपको रोकेगा, आप नमाज से रुकेंगे तकवा आपको महमूस करेगा कि नहीं छोड़ना नहीं, आप कोई गलत काम करने चलेंगे तकवा आपको रोकेगा। तो इंसानी जिंदगी में तकवा की वही अहमियत है जो गाड़ी में ब्रेक की अहमियत होती है, और गाड़ी में ब्रेक की अहमियत को नहीं जानता है, मामूली ड्राइवर जानता है। तो अगर तुम्हारे ऊपर गुलाम कहते हैं अरे भाई फला खानदान का नीची जात का, हमारे यहाँ तो नीची जात ही नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, किसी अजमी को अरबी पर, अरबी को अजमी पर, फजीलत है ही नहीं। फजीलत यहाँ तकवा की वजह से है। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व शुउबुम व क़बाइल लितअरफू अन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो तुम्हें सबसे ज्यादा मुत्तकी हो। तो मेयारे तकरीम, मेयारे करामत, ये तकवा है, जो जितना ज्यादा मुत्तकी है उतना ही ज्यादा काबिल एहतराम है, उतना ज्यादा मुकर्रम है।
तो अल्लाह और तुम्हारे ऊपर अगर कोई गुलाम नहीं कहते यार ये फला खानदान का है, दूसरे खानदान वाला उसको फॉलो नहीं करता, कोशिश में रहते कोशिश रहती है कि हमारे खानदान का कोई आदमी उस पोस्ट पर पहुंच जाए, नहीं वाले विश्व मिला ले तुम या खुद को भी किताब मिला, अगर वो किताबुल्लाह से तुम्हारी रहनुमाई कर रहा है फसम आती हूँ उसके बाद सुनो और उसकी बात करो। उसके बाद चंद लोगों ने खड़े होकर के कहा फकर, बल्कि एक आदमी खड़ा हुआ लोग जो वहां बैठे हुए थे, फकर और रजुल ने तवाइफ नस या रसूलुल्लाह माता का हुजूर ने अल्लाह के रसूल पर अच्छा मौका है आप कोई नसीहत फरमाए। एक नुक्ता ये मिला कि जलसे के दौरान मुकर्रर सामईन से सवाल कर सकता है। एक अयुब शाहरी नागा आपने पूछा कि महीना कौन सा है, इसका मतलब यह है कि खतीब सामईन से सवाल कर सकता है, और यहां यह बताया जा रहा है कि सामईन भी मुकर्रर से सवाल कर सकते हैं। तो एक आदमी खड़ा हुआ, कह अल्लाह के रसूल कोई नसीहत फरमाइए, माता का हद मिले गया तो तैयारी नसीहत फरमाइए। अल्लाहुम्मा शॉर्ट में आपको एक चीज बोलनी है, जैसे लड़का पढ़ने के लिए कहीं जा रहा है, गाड़ी में बैठ गया, खिड़की के पास बैठा हुआ, बाप खड़ा हुआ, बेटे को जाते हुए देखते हो, उसके कलेजे का टुकड़ा उससे जुदा हो रहा है, जल्दी जल्दी चंद बातें बोलता है, गाली छूटने वाली, अब उसमें तफसील थोड़ी बहुत रखेगा, हो चंद चीजें बता देगा, बेटा ये करना है ये करना है ये करना है। बिल्कुल इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुदा होने वाले और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम को जल्दी जल्दी चंद नसीहत करने वाले हैं, जिसको दरिया को कूजे में बंद करना। आपने फरमाया उबुदु रब्बकुम, तौहीद को मजबूती से पकड़ो, आज तौहीद ही हाथ में नहीं है लोगों, उबुदु रब्बकुम सिर्फ अपने रब की इबादत करो, वो सल्लु खमसतुम पांच वक्त की नमाजें पढ़ो, वो सूमु शहरकुम एक महीना रमजान का है बारह महीनों में तुम उसका एहतराम करो रोजा रखो, वातीउ ज़ा अमरिकुम और जो तुम्हारे ऑफिसर्स हैं जो तुम्हारे हाकिम है और तुम्हारी रहनुमाई कर रहे हैं तुम उनकी इताअत करो, तदखुलु जन्नत रब्बिकुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, चंद सिफत है शॉर्ट में। और उसके बाद फरमाया पड़ोसियों को, पड़ोसियों का लोग आज अमन के कयाम के बारे में कितने कोशिश हैं, हर पार्टी कोशिश कर रही है, हर जमात ये कोशिश कर रही है, तमाम लोग ये चाहते हैं कि अमन कायम हो, अमन कायम हो, हुकूमत ये भी चाहती है, पूरी दुनिया में अमन कायम, हमारी हुकूमत ये चाहती है पूरी दुनिया में अमन कायम, हमारे हिंदुस्तान में अमन कायम हो, पूरी दुनिया में अमन कायम हो, अमन की कोशिशें पूरी दुनिया में हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा ले जाओ, उसकी तशरीह करते हुए मैं बताता हूं अमन कायम कैसे होता है। आपने फरमाया पड़ोसियों को हुकूक का ख्याल रखो, हर आदमी अपने पड़ोसी का ख्याल रखे, वो पड़ोसी उसका ख्याल रखे, उस पड़ोसी का ख्याल रखे, वो पड़ोसी उसके साथ असर सलूक करे, अमन तो वैसे कायम हो जाएगा, क्या करना है नहीं समझ में आ रहा, बहुत प्यारी बात है कि हर आदमी अपने पड़ोसी के साथ उसने सलूक करे, वो उसके साथ वो उसके साथ वो उसके एक चैन बन जाए और फिर हुकूमतें दूसरी हुकूमतों के साथ हुस्न सुलूक करें, इस तरीके से पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। अगर आदमी अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक करने की ठान ले तो कयामे अमन का सबसे बेहतरीन नुस्खा यह है कि आदमी अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक कर लेगा, बताइए इससे अच्छा नुस्खा क्या हो सकता है। आपने फरमाया, आपने इतनी ज्यादा फजीलत बयान कर दी किनकी, पड़ोसियों की, हत्ता कुल तो इन सही सूर रावी कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तरके में बारिश बनाने वाले, इतनी फजीलत आपने बयान फरमाई पड़ोसी। उसके बाद आपने फरमाया अल्लाह का आता कुल लजी हक बिल हक का हु, अल्लाह ने हर हकदार को उसका हक दे दिया है, लिहाजा अगर किसी मुसलमान का किसी मुसलमान के ऊपर कोई हक है तो हक अदा कर दे। एक और इसी तरीके से अल्लाह ने मरने वाले के वारिसिन के हक भी मुतय्यन कर दिया, फला वसीयत लिल वारिसिन, वारिस का हक मुतय्यन है उसके बारे में वसीयत नहीं की जा सकती, मसलन दो हिस्सा लड़के का एक हिस्सा लड़की का, अब ये नहीं कह सकते यार मैं वसीयत करता हूं कि एक हिस्सा तो लड़की का है ही, एक हिस्सा उसको और दे देना, कतई जायज नहीं, ये वसीयत बातिल है। फला वसीयत लिल वारिसिन, वारिस के लिए वसीयत है ही नहीं। वल वलद लिल फराश वलिल आखिर हजर, लड़का उसका है जिसके बिस्तर पर लड़का पैदा हुआ, और जानी के लिए पत्थर है, वलिल आखिर हजर। उसके बाद आपने फरमाया कि वह हिसाब हो मन अल्लाह, हिसाब तो अल्लाह लेने वाला है, और जो आदमी अपने अलावा किसी की तरफ मंसूब करे कि ये मेरा बाप है, बाप ये है और बच्चा ये कह रहा है कि ये मेरा बाप है, बाप गरीब है तो ये नहीं कह सकता कि ये बाप जो है मेरा है, ये जो अच्छा कपड़ा पहने ये मेरा बाप है। और इसी तरीके से गुलाम अपने आका की तरफ मंसूब न करे जिसका वो गुलाम है, दूसरे की तरफ अपने आप को मंसूब कर दे। आपने फरमाया अल्लाह की लानत है उसके ऊपर,
उसके बाद औरतों के बारे में बात कहेगी। ला तुम फिकुल मरातु शैयन मिन बैतिहा इल्ला बिइज़्निहि जो दिया बताया गया कि बिना शौहर की इजाजत के उनके पॉकेट में हाथ मत डालो। पैंट टंगी हुई है, शर्ट टंगी हुई है, सुबह देखते रुक जाए, ये नहीं है। और पूछ भी नहीं सकता, उनको मालूम है कहां गया पैसा। तो ला तुम फिकुल मरातु शैयन मिन बैतिहा इल्ला बिइज़्निहि सोचिए अपने शौहर की इजाजत के बगैर बीवी अपने शौहर का माल खर्च ना करे, पूछ ले बगैर पूछे उसकी जेब के ऊपर हाथ ना डाले। तो सहाबा किराम ने किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल खाना भी गल्ला वल्ला भी गल्ला, किसी को काजू दे दे रही पूरा लाया हो, किसी को मुनक्के दे दे रही, कुछ दे दे रही, कपड़े लाए कपड़े दे दे, गल्ले दे दे रही। कहा कि ये गल्ला ये तो अफजल माल है, तो बेहतर माल है, इसको बदल जाओ नहीं देना चाहिए उसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया अल आरिया तो मुवत्ता, आरिया पर कोई ले गया उधार दे दीजिए, वो मेहमान आए जरा गिलास दे दीजिए, जरा सेट दे दीजिए चाय वगैरह, अब वो ले गया लेकर के बैठ गया। ये आरिया भी जो लाए आप वापस कर दीजिए। अल आरिया तो मुवत्ता, जो आरिया पर चीज ली गई उसको आप अदा कर दें। वल मिन हक मर्दूदतुन, और दूध वाली चीज, दूध वाली बकरी आप लाए, भैंस लाए, गाय लाए, भाई हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है ले जाओ भैंस, बाद में वापस कर देना। अब वो भैंस लेकर मेरी भैंस बोलता है, ये गाय मेरी है, ये बकरी मेरी है, अरे भाई दूध पीने के लिए, दूध इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था, वल्मिन हक मर्दूदतुन, लौटा दे भाई इसको। वदैन मक्ज़ीजुन, और कर्ज अगर आपने लिया तो उसको लौटाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई मर जाता तो आप पूछते थे कि ये आदमी मक़रूज़ है कि नहीं, अगर आपको पता चलता है कि इस आदमी ने कर्ज लिया हुआ तो आप उसकी नमाज नहीं पढ़ते, लोगों से कहते थे इसकी नमाज नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता, तो कर्ज की अदायगी जरूरी है। वदैन मक्ज़ीजुन, और दैन कर्ज ये जरूरी है कि अदा किया जाए। वह सही मुकारिम, कोई आदमी किसी की गारंटी ले लेता है, ठीक है ये 50,000 आपका बाकी है ना, नहीं दे पा रहा है, मैं गारंटी लेता हूं ये देगा, तो अब जिसने गारंटी ली है वो अदा करेगा, वो देगा। वो ज़ईम ग़ारिमुन, गारंटी लेने वाला अब ये तमाम अदा करेगा, ये दे गए। उसके बाद ये फरमाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को वहां से रुखसत किया, लोगों ने कहा हाज़ी हज्जतुल वदाई, ये हज्जतुल वदाई, अल्लाह हू अकबर, ये पूरी की पूरी तकरीर थी, मैंने सरसरी तौर पर आपकी बातों की तशरीह कर दी, वरना एक एक लफ्ज ऐसा है, एक एक लफ्ज कानून है, एक एक लफ्ज रोशनी है, जिसकी लाइट में, जिसकी रोशनी में आप पूरी जिंदगी का मंशूर तैयार कर सकते हैं, पूरी जिंदगी आप बिता सकते हैं। इस खुतबे का एक नाम हज्जतुल वदा है, इसलिए कि आप इस खुतबे के बाद दोबारा हज के लिए नहीं आ सके, रब्बे आला से जा मिले, रफीक आला से जा मिले। वदा मैंने रुखसत, वदा रुखसत, रुखसत हो गया, इस वजह से हज्जतुल वदा कहा जाता है इसको। एक इसका एक नाम और भी हज्जतुल बलाग, बलाग का मतलब ये आपने 23 साल में जो पैगाम लोगों तक पहुंचाया था उसका पूरा खुलासा पहुंचा दिया है, इस वजह से इसको हज्जतुल बलाग कहा जाता है। इसका एक नाम और भी है हज्जतुल इस्लाम, इसलिए कि आपने इस्लाम के जो बुनियादी उसूल और जवाबित है उसको मुख्तसर तौर पर, खुलासे के तौर पर पेश कर दिया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे दरमियान उलमाए किराम, उलमाए इज़ाम मौजूद हैं, और इसी तरीके से पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ फ़नून से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सआदत बख्शी कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा आपकी ज़बान में पहले पेश किया, फिर उसकी शरह की। अल्लाह मुझे और आप सबको उसके एक एक कानून के ऊपर, एक एक ज़ाब्ते के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौर मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ यारो तो हालात बदल सकते हैं। शेख मोहतरम ने बहुत ही प्यारी बातें हमारे सामने रखी, ज़रूरत इस बात की है कि हम उन बातों पर अमल करें, क्योंकि आम तौर पे देखा ऐसा जाता है कि हम इजलास के अंदर या कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत तो करते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वही रफ्तार बेढंगी,
जो पहले थी वही अपनी बात रह जाती है, और हम यहाँ से जाने के बाद जो कुरान और सुन्नत की बातें हम यहाँ से लेकर के जाते हैं उन बातों को भुला देते हैं। अब दुनिया मसरातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। इस दुनिया के अंदर आप जैसा करेंगे, जैसा बीज आप बोएंगे, कल कयामत के मैदान में आपको वैसा सिला और वैसा फल मिलेगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि शेख मोहतरम ने हमारे सामने जो ज़िंदगी गुजारने के मंशूर के ताल्लुक से जो बातें हमें बताई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, ऐ बारी इलाह तो हमें तमाम बातों पर अमल पैदा होने की और साथ ही साथ अपने अहले खाना को भी उन पर अमल पैदा कराने की तौफीक अता फरमा। आमीन रब्बुल आलमीन। शेख से कोई पूछो ना, मैं पूछो ना, आप हजरात में से जो भी सवाल करना चाहता है खड़े होकर शेख मोहतरम से सवाल कर सकते हैं। ऐसे खड़े होकर कोई सवाल नहीं करेगा, माइक ले जाना पड़ेगा, सवाल नहीं करेगा कोई, ये लिख कर देना पड़ेगा ना। आप जिस भाई को भी सवाल करना हो बड़ा मेहरबानी, वो आगे 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 सवाल किया करें। माइक पहुंचा दीजिए, माइक 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 दे दीजिए, नहीं यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं चल रहा है। शेख आपकी बात की, नहीं माइक दीजिए, माइक दीजिए, आपको सवाल तो सुनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। शेख की बेहतरीन बात थी कि तबलीग अपने घर से शुरू होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात थी। हम आप ये सवाल चाहते हैं कि हमारे जवानों को मालूम हो जाए कि बात लोग ये कहते हैं कि तबलीग तो सिर्फ गैरों में काफिरों में होती है, लेकिन आपने तो अच्छी बात बताई कि तबलीग तो अपने घर से शुरू होनी चाहिए, ये असल तबलीग है। इसका मुख्तसर बता दिया गया, तबलीग का असल में लुग़वी माना होता है पहुँचाना, पहुँचाना। अब पहले तो एक ही चीज़ थी कि सिर्फ उन्हीं लोगों के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहब कराम को काम करना था, वो कुफ़ार ही थे इंसान, तो आप उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते थे। अब हमारे दरमियान मामला ऐसा हो गया है कि मुसलमानों को मालूम ही नहीं कि इस्लाम किसको कहते हैं। अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अक्सरियत, बहुत बड़ी अक्सरियत, बहुत भारी अक्सरियत, उसको ये मालूम ही नहीं कि इस्लाम किसे कहते हैं, बिल्कुल वो कुफ़ार उसके इक्वल हो गए हैं। लिहाजा उन तक बात पहुँचाई जाए, एक तरीके की तबलीग है। आमतौर पर फ़र्क किया जाता है कि अपने दरमियान इस्लाम हो, गैरों के दरमियान तबलीग हो, ये एक लफ्जी चक्कर है, इसमें ना उलझा जाए, बल्कि बात को पहुँचा देना है, बात को पहुँचा देना है, इस तक पहुँचा देना है। यहाँ को फकीर के पास पहुँचाने की बात नहीं, यहाँ वो तबलीग का इस्तेलाही माना मुराद नहीं, बल्कि यहाँ तबलीग का लुग़वी माना मुराद है कि पहुँचा देना, पहुँचा देना, किसी के पास कोई चीज़ पहुँचा देना। मसलन मैं हदीस आप तक पहुँचा रहा हूँ तो ये आपके पास पहुँच रही है, मैं अपनी ये हदीस शेख के पास पहुँचा रहा हूँ, ये उससे ज़्यादा फ़कीह है, तो यह कहा गया फ़रूब बहा मिले फ़कीन इलामन व अफ कौन में, इसका मतलब है कि जो ज़्यादा फ़कीह हैं, जो मुसलमान हैं, उन तक भी अगर कोई चीज़ पहुँचाई जाए तो ये लुग़वी माने में तबलीग है, वो तबलीग का इस्तेलाही माना, टर्मिनोलॉजिकल माना नहीं है। इसमें मतलब कि तबलीग का लफ्जी माना जो है वो पहुँचाना है, यानी गैरों तक पहुँचाना वो इस्तेलाही माना, जी यानी अपने लोगों तक पहुँचाना वो लुग़वी माना, यानी बात पहुँचानी चाहिए, बात पहुँचानी चाहिए। काफिर और मुशरिक यहाँ पर कोई सवाल नहीं, कोई सवाल, अगर इस तरह से अगर कोई सवाल करता है यानी तबलीग काफिर और मुशरिक में करनी चाहिए तो गलत बात, नहीं वो गलत है, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं करना चाहिए दोनों में से, हिंदर मुस्लिम अकुल मुस्लिम, ये बात थी आपने बचौल पर, जी। तो यहाँ पर इंतजार फैलाया जा रहा है कि अभी बहुत सदियों से चला आ रहा है, मतलब उसको तो मैं बात नहीं पूछना चाहता कि कहते हैं कि नहीं बात तो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं कि नहीं नहीं ये तो काफिर हैं मुशरिक हैं, या एक बात होती है कि तकलीफ करते हैं, कि तकलीफ करने की वजह से किसी ने मुझे कहा कि नहीं हम लोग नहीं पढ़ते आपके पीछे, मतलब क्यों नहीं, वो तकलीफ करने वाले ऐसा है हमारे कहते हैं कि शेख कहते हैं कि वो काफिर और मुशरिक हैं, उन्होंने कहा था समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया, पर इसकी थोड़ा हल्का मुख्तसर खुलासा हो जाए। आपने तो एक
बर्निंग जो एस्पेक्ट होता है सुलगता हुआ मसला पूछ लिया है। देखिए इस्लाम में इतनी शिद्दत नहीं है कि आप डायरेक्ट किसी आदमी को ये कह दें कि तू काफिर है या इसी तरीके से तू मुशरिक है, ऐसा तो कहना सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। सही, इसके बड़े सारे जवाबित हैं। किसी को काफिर कहने के लिए कम से कम 9 ज़ाहिर होता है, वो मेरी तकरीर का मौजू नहीं है। तो तकफीर का मामला जो होता है उसके लिए अलग से एक लेक्चर होना चाहिए। भाई ने अच्छा सवाल किया है लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता कि उसका मैं जवाब दूँ। आमतौर पर ये कहा जाता है कि भाई तू काफिर है तो मुशरिक है, अव्वलन तो ये बात कही ही ना चाहिए। अगर वो बताहिर नमाज पढ़ रहा है रोज़े रख रहा है तो उसे आप काफिर और मुशरिक नहीं कह सकते। जहाँ तक मसला नमाज की अदायगी का है तो नमाज की अदायगी और दीगर चीज़ों के बारे में मेरा नुक्ते नज़र ये है कुरान हदीस की रोशनी में कि आप कुल्ली तौर पर कोई बात मत कहें, जुज़्वी तौर पर कोई बात न कहें, जुज़्वी ना लाएं। आप कुल्ली तौर पर ये कहें कि जिस आदमी का अकीदा अल्लाह उसके रसूल और सहाबे किराम के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं है या जिसका अमल अल्लाह उसके रसूल और सहाबे किराम के तरीके के मुताबिक नहीं है, आप उनके पीछे नमाज ना अदा करें। एक कुल्ली तौर पर ऐसा कहा जाए, जुज़्वी तौर पर कि ये तकलीद कर रहा है इसके पीछे नमाज ना पढ़ी जाए, ये फला मसलक से मुतसिफ जो मुतसिफ है उसके पीछे चल रहा है उसके पीछे नमाज ना पढ़ी जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि जो है कुल्ली तौर पर कहा जाए, जुज़्वी तौर पर ना कहा जाए। जुज़्वी तौर पर ना कहा जाए, कुल्ली तौर पर कहा जाए। कुल्ली तौर पर इस तरह कहा जाए कि भाई जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल और सहाबे किराम के बताए हुए तरीके के मुताबिक उसका अकीदा नहीं है, उसका अमल नहीं है, उसके पीछे नमाज न पढ़ी जाए। अब आप चेक कर लें, वो आपका काम है कि जिस आदमी के बारे में आपने उंगली उठाई है कि इस आदमी के पीछे नमाज नहीं पढ़ना, क्या उसका अकीदा अल्लाह और उसके रसूल और सहाबे किराम के बताए हुए अकीदे के मुताबिक है या नहीं, उसका अमल उसके मुताबिक है। आप ये देखें तो मैं कुल्ली तौर पर बोलूंगा, मैं जुज़ी तौर पर नहीं करूंगा कि ये तकलीफ कर रहा है इस वजह से इसके पीछे नमाज जायज नहीं है, फला है फला फला है। ये चीज आप देखें, मैं कुल्ली तौर पर कहने और मैं एक हदीस की रोशनी में ऐसा कह रहा हूं। कैसे? अब लोग सवाल करते हैं रफ़ुल यदैन ना किया जाए तो नमाज हो जाएगी, जोर से आमीन ना कहा जाए तो नमाज हो जाएगी, नमाज नहीं होगी वगैरह, सीने पर हाथ ना बांध करके कहीं कोई और जगह हाथ बांध ले तो क्या नमाज नहीं होगी। भाई इस तरीके के सवाल आते हैं तो मैं वहां भी यही कहता हूं कि वही जवाब आप दीजिए जो मशहूर साहबी हजरत हुज़ैफ़ा इब्न यमान ने दिया कुल्ली तौर पर। क्या आयु हदीस पढ़ देता हूँ, वान हुज़ैफ़ा أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت وأحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في كتاب الأذان إمام البخاري رحمة الله عليه كتاب الأذان کے اندر یہ روایت لایا حضرت حذیفہ سے حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے غور سے سنیے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ گڑبڑی کیا کر رہا ہے کہ رکوع برابر نہیں کر رہا سجدے برابر نہیں کر رہا جلدی سے رکوع کر لے رہا ہے جلدی سے سجدے کر لے رہا ہے यानी रुकू बराबर नहीं करता। देखिए रुकू का एक तरीका है, सजदे का एक तरीका है। अगर आदमी रुकू नबी के तरीके के मुताबिक नहीं कर रहा तो रुकू नहीं होगा। अगर आदमी सजदे में वो तरीका इख्तियार न करे जो नबी ने बताया, जैसे सात आज़ा के ऊपर जैसे कहा कि कुत्ते की तरह मत बैठिए, कुत्ता बैठता है, अगर इस तरीके से आप बैठ रहे हैं तो सजदा नबी का बताया हुआ है सजदा नहीं होगा। रुकू इस तरह करे आदमी कि सर उसका पीठ के मुकाबले हो जाए, कि लो सुब्बा अला ज़हरी अल्माहु कि अगर उसके पीठ के ऊपर पानी डाला जाए तो पानी रुक जाए, इस तरीके से उसकी पीठ उसके सर के मुकाबले में सीधी होनी चाहिए। तो ये आदमी रुकू और सजदे बराबर नहीं कर रहा था। जब ये नमाज खत्म कर चुका तो हजरत हुज़ैफ़ा ने उसे बुलाया और कहा कि क्या कर रहे, बोले नमाज पढ़ रहा, बोले मासूम नहीं तुमने नमाज नहीं पढ़ी, और आपने फरमाया लो मुत्तमुत्ता अला ग़ैर सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू अगर इस तरह नमाज पढ़ता हुआ मर गया तो तेरी नमाज सुन्नत रसूल के मुताबिक है, तेरी मौत सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं हो। देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि कुल्ली बात कही कुल्ली, कि जैसे तू नमाज पढ़ रहा है ना, अगर इस तरह पढ़ते हुए तुम मर गया तो सुन्नत रसूल के ऊपर तेरी मौत नहीं होगी। तो कुल्ली तौर पर आप देखिए कि एक हदीस अगर साबित है ठीक है, अगर साबित नहीं है वो हदीस तो
तो ठीक है, लेकिन अगर कोई हदीस साबित हो जाए सही सनद के साथ कि ये सचमुच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तो एहतमाम ये किया जाए कि भाई अगर ये आदमी ऐसा नहीं कर रहा है तो एतराज कीजिए मत करिए उसके पीछे, इसलिए सुन्नत को छोड़ रहा है। तो मैं कुल्ली तौर पर कहने का आदमी, कुल्ली तौर, कुल्ली समझते हैं ना, जुजी नहीं, कुल्ली। अगर आदमी का अकीदा, फला आदमी का अकीदा ऐसा है जो अल्लाह ने नहीं बताया, जो रसूल ने नहीं बताया, जो साहबे किराम का तरीका नहीं था, तो उसके पीछे आपका मजहब पड़े, इसलिए क्या अकीदा सही नहीं, उसका अमल सही नहीं, मुताबिक नहीं, इसलिए कि ईमान वही मुतवज्जो साहबे किराम ने बताया, ईमान वही मुतवज्जो अल्लाह ने बताया, ईमान वही मुतवज्जो रसूल ने बताया। आप चेक कीजिए पहले, अगर चेक करने पर वो पूरा उतर रहा है तो आप मत पढ़िए, लेकिन अगर चेक करने पर पूरा उतर रहा है तो आप पीछे पढ़िए। मैं कुल्ली तौर पर कहने का, मैं जुजी तौर पर कोई बात नहीं कहूंगा। जी शेख एक सवाल है, खुतबे की तकरीर में एक बात सामने आई कि औरत को फोर्स करना, इसका माना क्या होता है? औरत को फोर्स करना, अब ये फोर्स के कई माने होते हैं, अब वो फोर्स से मतलब नौजवान लोग कुछ और लेते हैं, बुढ़े कुछ और लेंगे, वो तो ये फोर्स से क्या मुराद है? जिस भाई का भी सवाल हो वो खड़े होकर सवाल कर ले। नहीं नहीं, खड़ा खड़े फोर्स करने का मतलब क्या लिया जाए? बहर उनके साथ जुल्म ज्यादती ना की जाए, किसी भी तरीके की कोई जुल्म ज्यादती ना की जाए। अगर फोर्स का ये मतलब है कि जबरन उससे कोई काम कराया जा रहा है, जबरन कोई काम जिससे उसकी तबीयत एबा कर रही है उस वक्त, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। शेख मोहतरम का एक सवाल है, जब हमारे फोन में बैलेंस नहीं होता तब हम कंपनी से लोन लेते हैं, तो क्या इस्लाम की नज़र में जायज़ है? क्योंकि सूद लेना और देना दोनों ही है। ये क्या शक्ल होती है, शक्ल बताए, शक्ल क्या होती है? ज्यादा पैसे लौटाना पड़ता है, ये ऐसा होता है। लेकिन जितना दे रहे हैं आप उतना उतना कभी कभी मिलता है, उतना ही मिलता है, तो आप उसको छोड़ करके वो जो पूरा मिल रहा है जितना आप दे रहे हैं उसकी तरफ आ जाइए, ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। आपने जिस तरह फरमाया कि किसी को बेवजह जलील करना, इसी तरह किसी का माल छीन लेना, किसी को बेवजह सताना, ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? जी, इस सिलसिले में मैं आपको हदीस सुना देता हूँ। وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه، وياتي قد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيؤتى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فان فنيت حسناته قبل ان يقزم عليه فاخذ خطاياه فطريت عليه ثم في النار. رواه مسلم في كتاب البر والصله والادب. امام مسلم رحمه الله اس حدیث کو کتاب البر کے اندر لائے، ابھی حضرت بول رہے ہیں، آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ مفلس کس کو بولتے ہیں؟ مفلس مس پاؤپر، غریب آدمی، قلاش آدمی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم غریب آدمی اس کو بولتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میں دنیا کے غریب کی بات نہیں کر رہا، میں آخرت کے غریب کی بات کر رہا۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیں، اللہ اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا نماز لے کر کے، وہ صلاۃ، وہ صیام روزے لے کر، وہ زکوٰۃ زکوٰۃ لے کر۔ دیکھیے نماز ہو گئی ہے اس کی، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی ہے، اور اسی طریقے سے روزے بھی رکھ لیے اس نے، سارے احکام پر عمل کرتا رہا۔ لیکن وہ یاتی قد شتم ہذا، آئے گا اس حال میں کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وہ قذف ہذا، کسی کو اوپر الزام لگایا ہوگا، اور اسی طرح وہ صفا کا دما ہاگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وہ اکلا مالا ہاگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، وہ ذرابا ہاگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اب دونوں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گے، اگر معاملہ برابر سرابر ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ مظلوم کی برائیاں، مظلوم کے گناہ لے کر کے ظالم کو اوپر ڈال دیا جائے گا، اور اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ فتوریہ فنار، اب وہ کب نکلے گا، کیسے کیا ہوگا، وہ اللہ جانتا ہے۔
लेकिन अगर मुसलमान ने ऐसा किया है तो भी जहन्नम के अंदर जाएगा, अगर चाहे वो नमाज पढ़ता है, अगर चाहे वो रोजे रखता है, अगर चाहे वो ज़कात देता है, अगर चाहे वो हज करता है। बहुत खतरनाक है, सही है, बहुत जबरदस्त, कान खड़े करने को रोकने खड़े कर देने के लिए काफी है। देखिए एक आदमी नमाज के साथ गया है, रोजों के साथ गया है, ज़कात के साथ गया है, लेकिन वया की कब शतम आया है वो किसी को गाली देकर के नमाज रोजे के साथ, दोनों को खड़ा कर दिया जाए। अब दोनों एक दूसरे को अगर माफ कर दें वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मामला होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने अगर वो माफ नहीं किया उसने, उसको उठाकर जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। अब कब निकलेगा वो? अगर वो मोमिन है, ईमान की वजह से, तौहीद की वजह से एक दफा निकलेगा वो, लेकिन कब निकलेगा कैसे, क्या बात, इसी के ऊपर भरोसा कर ले, अरे चले जाएंगे जहन्नम में, एक दिन तो निकाले जाएंगे। अरे जहन्नम को देख कर आदमी की गिग्गी बन जाएगी, जहन्नम में जाने की सोचे ना जी, तो ये सजा उसको मिलेगी, उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। बस एहतराम हजरत की खिदमत में एक सवाल है, जो आपके बयान माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन खिताब फरमाया है, और बाकायदा हज्जत विदा पदा की जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीली बातें जो हमारे सामने पेश फरमाई, अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाई। अलबत्ता दरमियान में चूँकि कुछ तिशनगी है, दरमियान में आपने एक चीज़ पेश की कि हर चीज़ जो नबी से साबित हो वो हुज्जत है, यकीनन, हत्ता के सहाबी भी अगर कुछ कहे तो हम तवक्कुफ़ करें, अगरचे अल्फाज कमोबेश वैसे ना हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि सहाबी भी अगर कुछ कहे तो जब तक के वो हदीस यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित नहीं है या आपने नहीं फरमाया, गोया हम एक तौर पे दलील सहाबी से मांगेंगे, तो आज के एतबार से एक आम में फ़र्द अगर उसके सामने सहाबी नहीं बल्कि सहाबा का अमल हो तवातुरन, तो ऐसी सूरत में क्या हम अमल के लिए तवक्कुफ़ करेंगे कि उन सहाबा का अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ैल या तकरीर जो तरतीब है उससे साबित है या नहीं, उसकी ज़रा वजाहत फरमा दें। अच्छा सवाल है हजरत का। देखिए एक होता है कि किसी सहाबी का कोई मखसूस अमल है, किसी सहाबी का कोई मखसूस अमल है, और बहुत सारे सहाबे किराम उसके ऊपर नकीर नहीं करते, तो सहाबी का जो पर्सनल अमल होता है वो किसी ख़ास वक्त के लिए है, किसी ख़ास टाइम के लिए, किसी ख़ास मसलहत की बिना पर है। अगर तमाम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, या सहाबे किराम की बड़ी तादाद कोई मसला कोई मौक़िफ़ रखती है तो उसके ख़िलाफ़ करना जायज़ नहीं। सहाबी का कोई पर्सनल अमल जो किसी और सहाबी से साबित ना हो तो हम ये कहते हैं कि वो किसी ख़ास पस मंज़र में होगा, किसी ख़ास पस पट्टे में होगा, तनासुब में होगा, और उसे मानने में तवक्कुफ़ किया जाएगा, किसी ख़ास मसलहत की बिना पर उसे कुछ दिनों के लिए मान लिया जाएगा। मसलन एक मिसाल देता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जुमा की अज़ान एक होती थी, एक है, ये तो हदीस से साबित है, और हज़रत अबू बकर के ज़माने में भी एक ही होती थी, दो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में भी एक ही होती थी। अच्छा मैं वो हदीस पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद ये बात समझ में आ जाएगी। وعن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر في أحد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وخلافة عمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث بالزوراء قال ابو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينه رواه البخاري في كتاب الجمعه حضرت امام البخاري رحمه الله اس پوری حدیث کو ایسے کتاب الجمعہ کے اندر لائے راوی حضرت صاحب ابن یزید اب دیکھیے اپ حضرت صاحب ابن یزید فرماتے ہیں کہ جمعہ کی اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک ہی ہوتی تھی کب اذا جلس الامام علی المنبر جب امام منبر کے اوپر آ جاتا تھا تب ہوتی تھی اچھا اب دیکھیں تمام صحابہ کرام کب کے ہیں یہ نبی کے زمانے کے پھر حضرت ابوبکر کے زمانے کے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اب دیکھیں اس کے بعد یہ تیسرے خلیفہ آتے ہیں
कौन है? हजरत उस्मान बिन अफ्फान। हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, फलम्मा काना उस्मान व कसुरन्नास, लोग ज्यादा हो जा रहे, आवाज पहुंच नहीं रही, जुमा फर्ज है, आवाज पहुंच नहीं रही, तो आपने तीसरी अजान जायद फरमाई। तीसरी अजान से मुराद इकामत को भी अजान बोल देते हैं, तो ये दूसरी अजान आपने जो मकाम ज़ौरा से दिलवाई, मकाम ज़ौरा से, बराबर। तो बहुत सारे सहाबे किराम इसको एक खास तनाज़ुर में रख करके कि आवाज पहुंच नहीं रही है, तो इसको देख करके और इस चीज को खामोश रहे। लेकिन एक सहाबी ने बाकायदा इसके ऊपर तनकीद फरमाई, तनकीद की, और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर वो रिवायत मौजूद है, قال ابن عمر الاذان الاول في الجمعه بدعه, ये सही सनद के साथ मौजूद है, बाकायदा इसका इतराज किया हजरत इब्न उमर ने। इब्न उमर ने कहा ये जो अजान हजरत उस्मान दिला रहे हैं ये सही नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं थी, बिल्कुल नहीं है ये। लेकिन तमाम सहाबे किराम खामोश रहे। अच्छा देखिए वहां इल्लत ही बयान की गई है, लोग ज्यादा हो गए। जैसे अब अगर दो सफ़े हूँ और इमाम जो है नमाज पढ़ा रहा है और उसकी तकबीर दो सफ़ों तक पहुँच रही है, तो आपको मुकब्बिर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अचानक बत्ती चली गई और इमाम की आवाज पीछे लोगों तक नहीं पहुँच रही है, तो जरूरत है कि मुकब्बिर रखा जाए, बाकायदा वो तकबीर की आवाज लोगों तक पहुंचाए, ताकि ये समझे कि अब रुकू हो रहा है, अब सजदा हो रहा है। तो जरूरत के वक्त ऐसा किया जा सकता है जैसा कि हजरत उस्मान बिन अली रजी अल्लाह तआला ने किया, और अगर उसकी जरूरत नहीं है तो ना किया जाए, इस तनासु में उसको माना जाए। देखिए तमाम सहाबे किराम ने एक खास पर्सपेक्टिव में उसको माना है, बकिया के एक सहाबी ने उसके ऊपर तनकीद भी की कि ये दुरुस्त नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं थी, लेकिन सहाबे किराम ने उसको एक खास वक्त तक के लिए माना कि भाई जरूरत है तो जरूरत पूरी कर ली जाए, इस पर तमाम सहाबे किराम खामोश है। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि सहाबे किराम का अमल एक तरफ है, किसी सहाबी का कोई पर्सनल अमल हो तो एक खास तनाजुर में देखा जाए उसको, एक खास वक्त तक उसको देखा जाए, इसलिए कि तमाम सहाबे किराम का वो अमल नहीं है, बल्कि ये पर्सनल सहाबी का ही अमल है। लिहाजा अगर वो किसी खास तनाजुर में है तो उसको खास तनाजुर में रख करके किसी खास वक्त तक मारा जाए, उसको अबदी ना मान लिया जाए, उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून ना मान लिया जाए, मैं ये समझता हूँ। बात यह है कि जिस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान सानी शुरू फरमाई, उस अजान का जो इजाफा फरमाया, तो उस पर सहाबा ने एतराज़ नहीं किया, बल्कि आपने माशाल्लाह फरमाया कि सहाबी ने एतराज़ किया, एक फर्द वाहिद ने एतराज़ किया, और उन एतराज़ का जो आपने लफ्ज़ पेश किया जो मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में मौजूद है माशाल्लाह, जिसमें सिर्फ लफ्ज़ है कि बिदअत, लफ्ज़ बिदअत का जिक्र फरमाया, तो हमारे हम सब के अइमे किराम और फुकहाए किराम इसकी वजाहत ये फरमाते हैं कि एक तरफ तो एक सहाबी फ़कत, दीगर बड़े बड़े सहाबा उस वक्त अजिल्ले सहाबा मौजूद थे, तो सवाल ये है कि उनका इनकार था उस पर, और दूसरा सवाल ये है कि वो अजान सानी की जो इब्तिदा हुई इजाफी अजान की, क्या सहाबा किराम के ज़माने में उनके बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजह आते हैं, क्या उनके ज़माने में वो अजान बंद हो चुकी? इसी तरीके से दूसरी बात कि लफ्ज़ बिदअतुन की शरह में उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि अल बिदअतुन हसनतुन, बिदअत यानी नया काम, बिदअत का मतलब नया काम, बिदअतुन हसनतुन ये भी शरह की गई कि मतलब ये है कि एक अच्छी बिदअत की इब्तिदा की, ये कौल मिलता है। तो सवाल मुख्तसर यही है कि ऐसी सूरत में अगर अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत तो यही है कि अक्सर मसाजिद में और ख़ुद हमारे खित्ते कोकन में जो यहाँ के बाशिंदे हैं, खित्ते कोकन की अक्सर मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादती अजान ही होती है, तो ऐसी सूरत में बिला गुबार आप इस सिलसिले में फिर चाहे तो मसला पेश कर दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जो बिदात कहा, तो बिदात का ये मतलब नहीं है जिसे हम बिदात कहते हैं, एक नई चीज़ है, एक नई चीज़ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये चीज़ नई नहीं थी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इतनी वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और हज़रत उस्मान गनी नमाज़ पढ़ा रहे हैं, उन्होंने पूरी नमाज़ पढ़ाई, जबकि ये कसर के कायल है,
और वो पूरी नमाज पढ़ा रहे हैं। जब नमाज खत्म कर चुके तो इनके शागिर्दों ने पूछा कि हजरत आप तो कसर के कायल हैं और आप उनके फेल को गलत कह रहे थे कि हजरत उस्माने गनी का ये कौल ये जो फेल है चार पढ़ना पूरी पढ़ना ये सही नहीं है, लेकिन आपने तो उनकी इख्तदा कर लिया है। कहा कि मैं फितना और शर नहीं चाहता, फितना और शर नहीं चाहता। देखिए मौकिफ अलग है उनका, वो नहीं मान रहे, वो दलाइल की रोशनी में उसको सही समझ रहे हैं कि भाई हम हाफ ही पढ़ेंगे, हम कसर करेंगे। लेकिन हजरत उस्माने गनी रजी अल्लाह तआला के पीछे उन्होंने पूरी नमाज पढ़ी, पूछे जाने पर आपने बताया कि मैं शर को पसंद नहीं करता। तो इस तरीके के जो इख्तलाफात होते थे तो साहबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम बाद लोग फितने के खौफ से उस बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते थे, उसको उठाते थे। देखिए मुनाज़रा नहीं हो रहा है, मुनाज़रा नहीं है, क्योंकि अब पर इतना बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत इख्तिलाफ है उलमा के सिलसिले में। अजान सानी की मिसाल तो आप ही नहीं दी, मैंने तो अजान का तस्करा भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ एक फ़कत सहाबी का अमल या कौल जो बज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, जैसे दौरान खुतबा आपने पेश किया माशाल्लाह, तो उसकी मैं वजाहत चाहता हूँ। मैंने दौरान खुतबा इतना ही कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हर किसी से दलील का मुतालबा किया जा सकता है, उसको क्यों उलझा रहे हैं? उलझाने की बात नहीं है, आप छोड़िए, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराफा दलील, आपसे दलील नहीं मांगी जाएगी, लेकिन आपके अलावा सहाबी से भी दलील का मुतालबा किया जा सकता है। मैंने कोई बात ऐसी कही नहीं, और मैंने उस पर दलील कि ये ताबई है बात, उसे दलील मांग रहे हैं, मैंने उस पर अपनी दलील पेश की कि सिर्फ एक शब्द एक हस्ती ऐसी है कि जिससे दलील नहीं मांगी जाएगी, उसकी जबान से जो कुछ निकला वो दलील है, बकिया हर एक से दलील मांगी जा सकती है। आप दलील का मुतालबा कर सकते हैं, सहाबी से दलील का मुतालबा कर सकते हैं, आप दलील लाइए, अब उसके ऊपर कुछ और बढ़ा करके कोई और बात करना, उसकी मुतवलात है, किताबें मौजूद हैं, किताबें लिखी गई हैं, वो पसंद चीज़ है, ये वक्त नहीं है उस पर बहस करने का। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हर किसी से दीन के मसले के बारे में दलील का मुतालबा किया जा सकता है, किसी पीर से, फकीर से, इमाम से, इसी तरह सहाबी से भी दलील। और दलील में हमने क्या पेश की कि अबू अम्मार ने हजरत जाबिर से, मैंने हदीस पेश किए, मैं कीलों काल नहीं करता, मैं कीलों काल बिल्कुल नहीं करता, मैंने ये कहा कि सहाबी से भी दलील मांगी गई, अबू अम्मार दलील मांग रहे, पूछ रहे अकार तो कह रहे थे क्या कर रहे, दो बार पूछ रहे, कह रहे शिकार है, बोले शिकार है, खा सकता हूं, खा सकते, अब मान लेना था ना, मुतालबा किया जाए, बस बात बकिया उस सवाल इस बात के तनाजुर में बात को और आगे तक ले जाना, मुख्तलिफ जो शिक्के हैं उन शिक्कों को बढ़ाना, इस पर मुतवला मौजूद है, किताबें मौजूद है फन के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर कुछ छोड़ा नहीं है। आपने ये कहा कि भाई एक सहाबी का अमल, एक सहाबी का अमल और सहाबी कराम एक तरफ हो तो उसको खास तनाजुर में देखा जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, ये सही नहीं, डायरेक्ट बोल देते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, अब उस पर भी हदीस पढ़ देता हूँ, वन عبد الله بن شهاب ان سالم بن عبد الله حدثه ان رجل من اهل الشام ایک آدمی شام سے آتا ہے کہتا ہے حضرت عبد الله بن عمر کا گھر کدھر ہے کہا کہ حضرت ایک سوال پوچھنا ہے کہا کہ کیا کہا کہ حج تمتع کرنا کیسا ہے دیکھیے یس الو ان تمتع برومت لے جاتے حج تمتع کرنا کیسا ہے بولے یہ حضرت کون بول رہے ہیں حضرت عبد الله بن عمر اچھا دوسرا آدمی اعتراض کر رہا ہے وہ جو سامی ہے फिर वो पलट करके सवाल करता है कि लेकिन आपके अब्बा हजरत उमर ने तो इसको मना किया, समझ गया, इन्ना अबा कद नहा अना, पहले से रोका है, मना किया, गुस्से में आ गया, सोन देखो ये गैरत देखो, अरायत इन्ना अबी नहा अनहा, मेरे बाप ने मना किया है, वो सना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, तो अमरो अभी उत्तम अमरो रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बोल कि नबी की बात मानता है कि मेरे बाप की बात मानता है? उसने कहा मैं अपने बाप की बात नहीं मानता, मैं तो नबी की बात मानता हूं, बस अमर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात खत्म हो गई। मैंने ये कही थी कि भाई सहाबी जो होता है पति के बेटा और बाप दोनों लड़ते हैं, बेटे और बाप के दरमियान मामला आ गया। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। सवाल नहीं करने देना चाहिए था, गलत टाइम उसे नहीं, सवाल नहीं करने देना चाहिए था, वो बदतजीबी से उसको बैठना नहीं आता है, जो तहजीब से सवाल नहीं करने चलो पढ़ने।